ये मैंने वही वाली ऐप खोल ली है जो हम लास्ट बना रहे थे ट्विटर क्लोन के नाम से। अच्छा, इसका मैं अब क्या करूँगा, एक अदद कॉपी बना लूँगा और जिसका मैं नाम रख दूँगा भला फॉरगेट पासवर्ड। ये कॉपी हो रहा है अभी भी। ठीक है, ये कॉपी कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं कर देता हूँ 11। अपडेट पासवर्ड। सही है जी, तो अपडेट पासवर्ड मैंने इसका नाम रख दिया। इसमें मैं चला जाता हूँ CD5 टैब, CD11 टैब एंटर और npm रन टैब और साथ में CD करके मैं रन में चला जाता हूँ, npm स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये मेरा सर्वर और मेरा फ्रंट एंड दोनों क्या हो गए, रन हो चुके हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास फ्रंट एंड मेरा ओपन हो गया और इसको मैं लॉग इन करता हूँ तो ये लॉग इन हो जाता है इजी। लॉग इन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फोर जीरो वन बता रहे हैं। क्या कह रहा है ये? यूज़र नहीं, पासवर्ड डिड नॉट मैच। सर्वर पे मैं अगर लॉग्स देखता हूँ तो ये कहता है पासवर्ड डिड नॉट मैच। ऐसा कैसे बना यार? अच्छा, इसका तो यूज़र ये वाला था ना। अच्छा, तो मेरे पास अभी जो मेरा यूजर लॉगिन हुआ है उसका ईमेल मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे। वेल, मैं सर्वर के लॉग से देख रहा हूँ कि क्या ईमेल है उसका। ठीक है, मुझे बाय द वे उसकी प्रोफाइल के पेज पे मुझे उसका ईमेल भी डिस्प्ले करवाना चाहिए, राइट? तो उसका ईमेल डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ फिलहाल यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ईमेल ज़रा डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि एग्जैक्टली पता हो कि हमें कौन से ईमेल से हम लॉग इन हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके इस प्रोफाइल वाली इमेज में आके इसको मैं एक डिव में कन्वर्ट कर दूँ अगर, तो शायद ये हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो चलते हैं प्रोफाइल वाले कंपोनेंट में पहले और जल्दी से ईमेल डिस्प्ले करवा देते हैं, उसके बाद हम बाकी का काम करने जाएंगे। हाँ, ये है ना वो। मैं अगर इसको इस IMG को एक डिव बना दूं ताकि इसके सामने मैं क्या डिस्प्ले करवा सकूं, ईमेल भी डिस्प्ले करवा सकूं। ठीक है, अभी तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, वो बॉर्डर रेडियस वगैरह हट गया उसमें से। बॉर्डर रेडियस तो हट गया, बॉर्डर रेडियस कैसे हट गया है उसमें से? ओके, एक्चुअली मैंने बैनर पे डॉट लगा के स्टाइलिंग की हुई है, वो इसलिए हट गया है। मैंने बैनर पे डॉट लगा के किया है, मैंने कहा बैनर डॉट प्रोफाइल पे चले जाऊँ। ठीक है, बैनर डॉट प्रोफाइल पे मैंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। बॉर्डर रेडियस 50% है ना, तो अब मैं ये बॉर्डर रेडियस किस पे दूंगा? मैं बोलूँगा भाई बैनर के अंदर जो प्रोफाइल है ना उसके अंदर एक क्या होगा, IMG होगा, उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दिया तो ये सेट हो जाएगा मेरा मसला। ठीक है, बॉर्डर भी ज़ाहिर है उसी पर ही लगा हुआ है, तो ये बॉडी भी मुझे उसी, ये सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली उस पर देनी पड़ेंगी, इस पर दे दी मैंने ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरे पास अब जो डिव है वो ये डिव मौजूद है यहाँ पर, तो इस डिव के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई बात ऐड करता हूँ, इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ओके, गॉट इट। इस पे मुझे पोजीशन जो अप्लाई हुई भी है उस
तो नहीं अप्लाई हो रही है। हाँ यार पोजीशन तो डिफ पे करनी थी, मैंने पोजीशन को ऊपर क्यों ले रहा है। अब ये पूरे डिफ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। अब जस्ट मैंने क्या करना है इसको, ये टेक्स्ट नीचे क्यों जा रहा है यार। अच्छा ये टेक्स्ट असल में किसी चीज़ में नहीं है ना, इसको रैप कर देते हैं स्पैन में। जो टेक्स्ट है हमारा उसको एटलीस्ट हम रैप कर देते हैं स्पैन में। अब मुझे पता चलेगा ना कि क्यों नहीं ऊपर जा रहा है। इसमें मैंने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर नॉट लाइक दिस। अच्छा ये पूरा डिव जो है मेरा ये फ्लैक्स बॉक्स है, राइट? फ्लैक्स बॉक्स है या नहीं है यार, ये कौन से चक्करों में पड़ गया मैं। ये बैनर, बैनर के अंदर ये सब कुछ है। अच्छा एक गड़बड़ है यहाँ पे, एक गड़बड़ ये कि ये बैनर के अंदर क्यों है इमेज दोनों। ये इमेज तो बाहर होनी चाहिए ना, ये इमेज तो बाहर होनी चाहिए, सही है, इसके अंदर क्यों है। सही है, ये इमेज बाहर हो गई एक्चुअली, और ये इसकी अपनी एक स्टाइलिंग होगी। ये तो राइट आफ्टर दैट आ रही है, तो मैं इस पर से बैनर हटा दूंगा। बैनर की तो मैं ज़रूरत ही नहीं है, बैनर के अंदर मैंने इसको क्यों रखा है, तो बाहर होनी चाहिए। ये बैनर है हमारा, और इसके फौरन बाद ये दूसरा डिव है हमारा जो जिसका नाम प्रोफाइल है। अच्छा ये जो है हमारा आइटम है, इसके जो चाइल्ड हैं दोनों, एक को तो मैंने ऊपर किया हुआ है। अच्छा ये ऊपर जा रहा है लेकिन वो एक्चुअली यही केस है यहाँ पे कि टेक्स्ट अलाइन जो वर्टिकल अलाइन होता है ना वो इसको मुझे सेंटर देना है। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल अलाइन नहीं, सीएसएस में भी एक होता है ना वर्टिकल अलाइन। अलाइन आइटम्स सेंटर नहीं, बगैर डिस्प्ले फ्लेक्स के भी एक होता है ना। वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट सीएसएस, एक बगैर उसके भी चलता है वो सीएसएस 3 लेआउट टेक्स्ट अलाइन होता है। नहीं बुक में एक जगह पे उन्होंने ये जिक्र किया हुआ था, अभी मैं भूल रहा हूँ अचानक। यहाँ बुक में ना एक जगह पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है इसका, जहाँ पे ये इमेजेस की बात हो रही है ना उस चैप्टर में हुआ है ये वाला। हाँ क्या नाम है इसका, ये इस प्रॉपर्टी का। अच्छा ये ओल्ड कोड है भाई, इधर नया वाला वही है जो हमारा। अलाइन इमेज के ऊपर अलाइन इन्होंने लगाया हुआ है, इमेज के ऊपर एक अलाइन की प्रॉपर्टी है। वेल ये कह रहे हैं कि ये ओल्ड है तो फिर हम ऑब्वियसली फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। सही है, ओल्ड कोड है ये, वापस आ जाते हैं और यहाँ पे इसको फ्लैक्स बॉक्स से ही ये काम होगा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैक्स बॉक्स से ही करेंगे। अच्छा तो फ्लैक्स बॉक्स करने के लिए मुझे इस डिव को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ता, और फिर उसको मैं बोलूँगा कि भाई अलाइन आइटम ये वाला करूँ। तो मैंने कहा भाई जो है ये डिस्प्ले आपका जो है ना फ्लैक्स है। अच्छा डिस्प्ले फ्लैक्स होते ही वो खुद ही सेट हो गया, अपनी जगह पे आ गया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स में बाई डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम सेंटर ही होता है। तो मैं प्रोफाइल वाले को जस्ट जाके बोलूँगा कि भाई आप क्या हो जाओ डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ। सही है,
और ये जो स्पैन है मेरा, जो प्रोफाइल के अंदर स्पैन है, इसका मुझे फॉन्ट थोड़ा सा शायद बड़ा करवाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि प्रोफाइल के अंदर जो भाई मेरे स्पैन है उसका स्पैन है ना, मैंने कहा कि भाई पहले तो फॉन्ट सिर्फ कलर इसका हो जाए वाइट। और वाइट दिखेगा ना, अभी देंगे हम उसको बैकग्राउंड देंगे, अभी वो देंगे। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा टच हो रहा है इसके साथ, इसको मार्जिन देंगे या तो मुझे नीचे करना होगा, या तो अगर मैं ऊपर करता हूँ तो मुझे कोई ऐसा कलर देना होगा जिसमें शेडो वेडो कुछ हो, ताकि वो बैनर से वो छुप ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसको मार्जिन देना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसका मैं कलर वाइट करूँ। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल गुड रहेगा, 30 पिक्सल गुड। ओके, और फॉन्ट साइज शायद मुझे इसका 32 करना चाहिए, सही है। और बोल्ड भी होना चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड, सही है, बोल्ड हो गया। अच्छा, इस जगह पे मुझे दो लाइनें लिखनी है एक्चुअली, एक इसका नाम लिखना है, एक इसकी ईमेल लिखनी है, दो चीज़ें लिखनी है मुझे। तो मैं इसमें अगर BR लगाऊंगा तो क्या ये सही रहेगा? ये मसला हो रहा है ना, मार्जिन टॉप मुझे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस में शायद ये फिर भी गड़बड़ करें। 70 पिक्सल पे आ गए, ये सही हो रहा है मार्जिन। सही है, इसका नाम लिख दिया मैंने और ईमेल लिखवा दिया है। अभी हमारे पास ईमेल है ना, यूज़र नेम नहीं है, हम अभी थोड़े से पुराने दौर में चल रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं इसका नाम कैसे लिखवाऊंगा? ये स्टेट डॉट करके क्या थी हमारी, क्या नाम रखवाते थे हम इस पर, पता नहीं किस नाम से रखवाया था हमने। नेव बार में एक तो डिस्प्ले करवाया ना हमने, नेव बार देख लेते हैं ज़रा। ये ना, स्टेट डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक तो नेम हो गया यहाँ पर हमारा प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे नेम था वहाँ पे मैंने ये बात रखवा दी कि स्टेट डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। स्टेट यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, स्टेट बना हुआ है, सही। और सेकंड वाले में मेरे पास क्या होगा, स्टेट डॉट ईमेल, राइट। state.user.email, तो यहाँ पे मेरे पास नाम और ईमेल प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये मैंने प्रोफाइल का पेज बना दिया ताकि मुझे एग्जैक्टली पता हो। अच्छा, वो मार्जिन मैंने 70 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ये क्या हुआ फिर यार, ऊपर कैसे चला गया ये? पता नहीं, मैंने कोई और भी स्टाइलिंग अप्लाई की थी शायद, वो हटा दी मैंने। एक काम करते हैं ना, इसको हम वो लगा देते हैं कि ये बॉटम पे रहे, बजाय ये देने के ना हम इसको अलाइन आइटम जो है वो हम इसको क्या होता है उसमें, बॉटम होता है वाई, अच्छा अलाइन आइटम तो पेरेंट पे लगता है, चाइल्ड पे लगता है, पेरेंट पे लगता है ना, ये तो मैं चाइल्ड पे लगा रहा हूँ इसके। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स, और मैंने कहा कि सेंटर कर सकता हूँ, एंड कर सकता हूँ, बेस लाइन कर सकता हूँ,
इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरे काम की हो, तो मैं बेस लाइन कर देता हूँ उसको, और बेस लाइन करने के बाद नीचे से इसको थोड़ा मार्जिन दे के ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, बेस लाइन कर दिया मैंने, और इस स्पैन को अब मैं बजाय टॉप से मार्जिन देने के बॉटम से मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा। सही है, मार्जिन बॉटम, डिफ की हाइट बढ़ा रहा है वो एक्चुअली। अगर मैं इसको पैडिंग बॉटम दूं तो इसने सोच लिया है कि यार मैं गड़बड़ कर रहा है कुछ, हम जाहिर है वो जब ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ये भी कर सकते हैं कि अच्छा ये तो पूरी प्रोफाइल को ही मैंने ऊपर किया हुआ ना, ये इसका पेरेंट है प्रोफाइल, और मैंने यहाँ पे आगे कहा अलाइन आइटम्स और सेंटर, तो सेंटर में मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। टॉप से पैडिंग दे दें तो शायद ये सेट हो जाए। एंड अच्छा, पहले मैंने असल में बेस लाइन दिया था, तो बेस लाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड वाले से, तो हम ये ज़रा एंड पे करके उसको ट्राई करते हैं। और अब मैं इसको कोशिश करता हूँ क्या देने की, पैडिंग देने की कोशिश करता हूँ, पैडिंग बॉटम। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, हाँ इससे ऊपर आ रहा है। मैंने 30 पिक्सल इसको नीचे से जाना, बल्कि 35 पिक्सल इसको नीचे से पैडिंग दे दी। सही है, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करके मैंने कहा कि अलाइन आइटम्स एंड, और यहाँ पे आके मैंने उसको बोला कि पैडिंग बॉटम 35 पिक्सल। ठीक है, सेट हो गया ये। अच्छा, इन दोनों का मुझे फॉन्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट रखना था शायद, लेकिन उसके लिए फिर मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास प्लस बनानी पड़ेगी। अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसने दिमाग खा लिया था अभी। अच्छा जी, तो हमें पता चल गया कि भाई किस ईमेल से बंदा लॉगिन है। अब हम प्रोसीड करते हैं कि इसका हम पासवर्ड चेंज करें। अच्छा, पासवर्ड बंदा जब ही चेंज कर सकता है जब वो ऑलरेडी लॉगिन हो, सही है, उसके बगैर पासवर्ड बंदा चेंज नहीं कर सकता। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मे बी होम में कहीं ना कहीं मैं एक पेज बनाऊंगा, अपडेट पासवर्ड का कोई बटन वटन बनाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मेरे पास ना एक ये प्रोफाइल का कोने में एक बटन होना चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए कि अपडेट पासवर्ड। ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए ये करता हूँ कि यहीं पे जो लिखा हुआ है ना, ये ईमेल लिखी हुई है इसकी, इसी के नीचे एक बटन बना देता हूँ छोटा सा, और जिस पे मैं लिख देता हूँ कि भाई अपडेट पासवर्ड। फॉरगेट नहीं ना, अभी अपडेट पासवर्ड है, अभी पहला काम हुआ है। ठीक है, चेंज पासवर्ड बल्कि, ठीक है, तो चेंज पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी असूलन ये सेटिंग में होना चाहिए, या मेरे पास प्रोफाइल के ऊपर एक मेन्यू होना चाहिए जहाँ पे हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास क्योंकि एक ही है अभी चीज़, तो मैंने चेंज पासवर्ड यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अच्छा, इसके क्लिक होने से क्या करेगा ये आपको एक एंटायरली न्यू पेज पर लेके चला जाएगा, जो एक अलग कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली। तो अलग कंपोनेंट पर जाने के लिए हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है, नेविगेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नेविगेशन कैसे करते थे यहाँ पे हम, ऐसे करते थे लिंक से। ठीक है, ऐसे लिंक से हम नेविगेट करते थे, और ये लिंक आता कहाँ से था, ये लिंक आता था राउटर में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये लिंक और ये इम्पोर्ट का स्टेटमेंट, ये दोनों यहाँ से उठा लेते हैं।
और प्रोफाइल के पेज पे जाके बजाय मैं बटन लगाने के, मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ये लिंक लगा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जब इस लिंक का बटन प्रेस किया जाए, चेंज पासवर्ड, तो ये मुझे कहाँ ले जाए, चेंज पासवर्ड पे ले जाए मुझे, ठीक है, ये वाला आइटम। और ये इम्पोर्ट ऑब्वियसली मैं टॉप पे बना लूँगा यहाँ पर, ठीक है, टॉप पे मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे ना जस्ट एक चेंज पासवर्ड ऐसे लिखा हुआ रहा है बटन के तौर पर, कहाँ गुम कर दिया मैंने उसको यार, ठीक है, इसको मैं बटन से सराउंड कर देता हूँ ताकि ये बटन जैसा दिखे एटलीस्ट, ठीक है, बटन जैसा दिखे मैंने। तो मैंने कहा कि भाई जो है ना, आप चेंज पासवर्ड की URL पे ले जाओ, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये रीराउट करके कहाँ ले आता है, मुझे ये होम पे ले आता है। होम पे इसलिए ले आता है क्योंकि जिस पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉल बैक पे मेरे पास होम है, सही है, स्टैटिक करके मैंने होम लगाया था ना। अगर हम app.js पे आए और जहाँ पे ये नेविगेशन हमने बनाई भी है अपनी, नेविगेशन जो हमने बनाई भी है, ये तो हमारा नेविगेशन बार है, राइट, नेविगेशन एक्चुअली यहाँ पे हुई भी है सारी। तो मैं कहता हूँ भाई स्लैश हो तो होम, स्लैश प्रोफाइल हो तो प्रोफाइल, अदरवाइज कुछ भी हो ना तो आप नेविगेट करा दो इसको स्लैश के ऊपर। तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक नया राउट ऐड करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई क्या था, चेंज डैश पासवर्ड जब हो ना आपका, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, चेंज पासवर्ड करके एक कंपोनेंट होगा, आपने उस पर लेके जाना है, ठीक है, एक बिल्कुल डिफरेंट कंपोनेंट होगा वो, जहाँ पे सारी ये कार्रवाई हो रही होगी। अच्छा, अब ये कंपोनेंट बना हुआ नहीं है तो बना लेते हैं। अच्छा, किससे बना लेते हैं, जो लॉगिन की हमारी स्क्रीन है ना, जो लॉगिन वाला जो है हमारा, उसी को ही रेप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो सारा काम लॉगिन वाला ही उसमें हो रहा होगा। और मैं इसको नाम दे देता हूँ चेंज पासवर्ड डॉट jsx, ठीक है, चेंज पासवर्ड, और इसको मैं app.jsx पे क्या करवा लेता हूँ, इम्पोर्ट करवा लेता हूँ इसी नाम से, ताकि उसको पता चल जाए कि चेंज पासवर्ड की स्क्रीन कहाँ पर है। कंपोनेंट्स स्लैश चेंज पासवर्ड, और मैंने इसको बोला इसमें से क्या उठाऊँ, ये डिफॉल्ट उठा लूँ चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो ये चेंज पासवर्ड हो गया, इसको पता चल गया कि कहाँ पर है चेंज पासवर्ड। अब चेंज पासवर्ड की स्क्रीन पे आके मैं क्या कर देता हूँ, एक ऑब्वियसली हेडिंग लगा देता हूँ एटलीस्ट कि दिस इज चेंज पासवर्ड पेज, और मैं क्लिक करके उधर जाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। प्रोफाइल पे गया और प्रोफाइल पे जाकर चेंज पासवर्ड का बटन प्रेस किया ना, तो देखो ये दिस इज चेंज पासवर्ड पेज करके एक दूसरे कंपोनेंट पे मुझे ले आया है, ठीक है। अच्छा, इस कंपोनेंट पे आके मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा है, बस ये URL चेंज हुआ है, ठीक है, ऊपर का नेविगेशन बार सेम है, ये वाला नेविगेशन बार सेम है, और लॉगिन के जैसी स्क्रीन है कुछ। अच्छा, इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें मुझे ऑब्वियसली ईमेल और पासवर्ड नहीं चाहिए होगा, बल्कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड करके चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। तो फील्ड्स इसी तरह रहेंगी, हेडिंग मैंने लगा दी ऑलरेडी, बटन का नाम ऑलरेडी चेंज कर ही चुका हूँ मैं, तो जस्ट मुझे एक चीज़ और करनी है, वो क्या करना है कि ईमेल को चेंज करके मैं ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड इसमें कर दूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसको ज़रा देख लेते हैं, लॉगिन हैंडलर करके यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, तो इस लॉगिन हैंडलर का नाम चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, प्रोसीड चेंज पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड बंदर नया और पुराना पासवर्ड देके एक ही दफ़ा कॉल करेगा, सीधा रिक्वेस्ट API पे जाएगी और वहाँ पे जो होना होगा हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसके लिए किसी किस्म की कोई OTP वगैरह ये सब कुछ भी नहीं चाहिए होगा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ और मुझे पुराना पासवर्ड भी मैं दे रहा हूँ पासवर्ड चेंज करते हुए, ठीक है। तो डबल लेयर है, तो इसमें मुझे OTP वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सम टाइम OTP आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, के यार बंदे ने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब पासवर्ड पुराना पासवर्ड भी दिया, नया भी दिया, प्रोसीड किया
वो उधर जाता है तो आप वहाँ से OTP भेजते हैं कि भाई जाके ईमेल पे OTP लगाओ, और एक एडिशनल लेयर के तौर पे OTP भी ले लेते हैं उससे, तो ये आप कर सकते हैं। वेल अभी हम OTP लेना सीख लेंगे फॉरगेट में, फिर इसमें फ़िलहाल हम बगैर OTP के कर रहे हैं, क्योंकि बगैर OTP के भी सही है ये। अच्छा, ऊपर जो स्टेट बनी हुई है उसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये ना ओल्ड पासवर्ड होगा, सही है, ओल्ड पासवर्ड, सही है। अच्छा, सेट ईमेल जो है इसमें क्या करेंगे हम, सेट ओल्ड पासवर्ड, सही है। तो एक मेरे पास ओल्ड पासवर्ड हो गया और एक मेरे पास न्यू पासवर्ड हो गया, पासवर्ड और सेट पासवर्ड। अच्छा, ये जो प्रोसीड के ऊपर जो API कॉल होगी ना, उसको तो अभी हम छोड़ देते हैं कि API कौन सी कॉल होगी, उसको अभी हम थोड़ी API बनाएंगे तो फिर देखेंगे। पहले नीचे जाके देखते हैं कि नीचे सब कुछ सही है, मेरा फॉर्म सही बना हुआ है, ऑन सबमिट पे प्रोसीड लगा हुआ है, सही है भाई। अच्छा, क्लास नेम इसका लॉग इन फॉर्म है, तो एक्चुअली वो स्टाइलिंग से रिलेटेड चीज़ इसमें हो रही है कि भाई इस login.css ही इसमें इम्पोर्ट हुआ है, उसी से स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो स्टाइलिंग सही है। तो नीचे आते हैं और नीचे ज़रा फॉर्म के HTML के कोड को ज़रा देख लेते हैं कि सब कुछ ओके है या नहीं है। तो पहली फील्ड मेरे पास क्या है, ओल्ड पासवर्ड है, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड। अच्छा, इसमें भी ओल्ड करंट पासवर्ड, बल्कि ओल्ड क्यों, करंट पासवर्ड, राइट, ठीक है। मैंने प्रोग्रामेटिकली उसको ओल्ड पासवर्ड रखा है, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, करंट पासवर्ड लिखूँगा। अच्छा, प्लेस होल्डर में भी ओल्ड पासवर्ड लिखा गया है, तो मैं प्लेस होल्डर में भी एंटर योर, सॉरी, हाँ, टाइप इसकी क्या होगी, टाइप इसकी एक्चुअली होगी पासवर्ड। नहीं, फॉरगेट में ओल्ड पासवर्ड क्यों दूंगा, फॉरगेट में नहीं दूंगा, फॉरगेट में तो पासवर्ड ही तो भूला है बंदा। फॉरगेट में नहीं होता ये, फॉरगेट में नहीं होता ना, ये तो इधर होता है चेंज पासवर्ड में। फॉरगेट फेसबुक में इस तरह से होता है फॉरगेट पासवर्ड, कि आप क्लिक करते हैं ना, वो कहता है कि आप अपना फ़ोन नंबर लिखो यहाँ पे या ईमेल लिखो। तो अगर आप फ़ोन नंबर लिखते हैं तो वो फ़ोन नंबर पे एक मैसेज भेजता है, कोड आप एंटर करते हैं, दैट्स इट। हाँ, अच्छा, ये भी होता है कि अगर किसी ने आपका पासवर्ड, वो तो वेल, अब तो उसमें तो जितना आप आगे जाए उतना कोई लिमिट नहीं है, सही है, उसमें तो इवन दो के फिर पासवर्ड वगैरह तो वैसे भी ओल्ड फैशन चीज़ें हो गई है ना। पासवर्ड अभी जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स, उसमें पासवर्ड नहीं होता, कहाँ होता है पासवर्ड, ख़त्म कर दिया लोगों ने पासवर्ड का सिस्टम। तो जैसे व्हाट्सएप ने ये सबसे पहले शुरू किया था बाई द वे, कि आप क्या करते थे, फ़ोन नंबर डालते थे, OTP आता था और वो खुद ही लॉगिन हो जाता था, ठीक है। अब जैसे टेलीनॉर की ऐप है जो, उसमें ये होता है कि आप जैसे ही ऐप ओपन करते हैं ना, तो अगर आप 4G से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप टेलीनॉर की सिम यूज़ कर रहे हैं और टेलीनॉर का ही 4G यूज़ कर रहे हैं, तो आप 4G से कनेक्टेड हैं तो पासवर्ड मांगता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है। तो ये इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें जो है ना हम कर सकते हैं। वेल, जो सबसे क्लासिक अप्रोच है और जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल अप्रोच है, वो ईमेल और पासवर्ड है फिलहाल के लिए। तो टू स्टार्ट विथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये पता चल जाएगा तो मोर और लेस आपको वो सारे ही समझ में आ जाएंगे सिस्टम के सब में क्या चल रहा है। अच्छा जी, टाइप इसकी पासवर्ड हो गई है। अच्छा, ऑटो कम्प्लीट इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, पासवर्ड। ये ऑटो कम्प्लीट पता है ना क्या चीज़ है, ऑटो कम्प्लीट ये कि जब मैं यहाँ पे आके लिखूँगा ना, तो ये मुझे बता रहा होता है कि जो सजेशन है ना, उसको कैसे पता चल रहा है कि ये पासवर्ड की फील्ड है, ये ऑटो कम्प्लीट से पता चल रहा है। अगर मैं इसको कर दूँगा ना यूज़र नेम, तो अब देखो क्या होगा, ये मुझे यूज़र, अरे भाई ये पागल हुई है ब्रो। वेल, टाइप भी तो मैंने इसकी वो कर दी है ना, अब ये ईमेल पकड़ रहा है, कुछ और ही हो गया, कुछ गड़बड़।
अच्छा तो ऑटो कंप्लीट जो है ना, जब चेंज पासवर्ड हम कर रहे होते हैं ना, यहाँ हम देख लेते हैं ना, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट MDN, सही है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑटो कंप्लीट में ना कब क्या लगाना है। तो हमारे पास जो पासवर्ड में ना, देखो एक है न्यू पासवर्ड, ठीक है, और एक है करंट पासवर्ड। ये नेम के फील्ड में होता है। अच्छा अच्छा ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑन या ऑफ होगा, और नेम के अंदर हमें ये चीज़ लगानी है। सही है, परफेक्ट है। अच्छा नहीं, नेम के अंदर ये कह रहा है ये वाली चीज़ है नेम में लगेगी, और ईमेल के अंदर ये ईमेल ऐसे करके लगेगा, यूज़र नेम ऐसे लगेगा। ये नेम में नहीं लगेगा, ये ऑटो कंप्लीट में लगेगा। नहीं, ये कह रहा है एक तो वैल्यू हो सकती है ऑफ, दूसरी वैल्यू हो सकती है ऑन, तीसरी हो सकती है नेम। अब नेम के अंदर ना ये इसकी सब टाइप्स हैं, गिवन नेम, ये एडिशनल नेम, ये इसकी गिवन टाइप्स हैं। अब यहाँ पे देखो ना, ये थोड़ा इंडेंट हुआ है, अब थोड़ा आगे जाओगे ना ये इंडेंट वापस आ गया। ईमेल सीधा सीधा ईमेल लिखेंगे हम ना, और यूज़र नेम में आप लिखेंगे ये ईमेल या यूज़र नेम, दोनों जहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो एक है मेरे पास न्यू पासवर्ड, एक है मेरे पास करंट पासवर्ड, ठीक है। तो करंट पासवर्ड मैं यहाँ पे करंट पासवर्ड लिखूँगा एक्चुअली, सही है, यहाँ पे मैं करंट पासवर्ड लिखूँगा लाइक दिस। देखो अभी देखो इससे होगा क्या, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा इससे क्या हो रहा है। और न्यू पासवर्ड मैं लिखूँगा इसके नीचे वाले पर, यहाँ पे ना नीचे वाले पे मैं लिखूँगा न्यू पासवर्ड, सही है, न्यू पासवर्ड। नेम में भी चलो कर देते हैं, एक ही बात है, नेम में भी कर दिया मैंने, इसमें भी कर दिया, किसी से तो पकड़ लेगा वो। और इसको मैं MDK से हार्ड रीलोड करता हूँ। अब देखो करंट पासवर्ड पे ना मुझे ये मेरा करंट पासवर्ड लिख के बता दिया इसने, और जब न्यू पासवर्ड पे मैं हाथ रखूँगा ना, तो ये मुझे लास्ट में देखो एक ऑप्शन दे रहा है, सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर मैं इस पर न्यू पासवर्ड नहीं लगाऊंगा ना, तो देखो यहाँ इस वाले पे नहीं देता ये पहली फील्ड जो है करंट पासवर्ड, इस पर न्यू पासवर्ड का सजेशन नहीं देता, इसमें देता है मुझे ये, सही है। तो इस तरह करके मुझे क्या करना होगा, न्यू पासवर्ड और करंट पासवर्ड अलग अलग हैंडल हो रहे होंगे इस तरह, ठीक है। इसका मैं लेबल दे देता हूँ न्यू पासवर्ड। अच्छा फिर एक इसके साथ कन्फर्म न्यू पासवर्ड भी होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसमें वैलिडेशन आपको पता है वो किस तरह लगती है, यप वगैरह से भी लगा सकते हैं, और ऑन सबमिट पे भी लगा सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू उठाओ और इसकी वैल्यू उठाओ, अगर दोनों सेम है तो ठीक है, सही है। कन्फर्म डैश पासवर्ड, इसकी मैंने आईडी चेंज कर दी है कि भाई ये कन्फर्म पासवर्ड है, और ये है इसकी आईडी मैंने चेंज कर दी, मैंने कहा न्यू पासवर्ड है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू को मैच करना चाहें हम सबमिट करने से पहले, तो वो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आईडी जो है वो करंट पासवर्ड कर दी है, ठीक है। तो तीन यहाँ पे मेरे पास फील्ड्स आ चुकी हैं, और जब आप देखें, जब मैं बोलता हूँ ना सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और इसमें लिख के क्यों नहीं दे रहा ये, ये नीचे वाले में भी शो हो जाना चाहिए, ये दोनों में शो हो जाना चाहिए। अभी पता नहीं कन्फर्म पासवर्ड का अलग से तो नहीं है कोई, न्यू पासवर्ड में ही आना चाहिए। अच्छा अ न्यू पासवर्ड व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट चेंजिंग दिस शुड बी यूज्ड फॉर एन एंटर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड फील्ड एज अपोज्ड टू जनरल एंटर योर करंट पासवर्ड फील्ड दैट माइट बी प्रेजेंट दिस अवॉइड एक्सीडेंटली एग्जिस्टिंग पासवर्ड। पता नहीं क्या लिखा है इसमें, प्रिवेंटिंग ऑटोफिल विथ न्यू पासवर्ड। अच्छा असूलन वो दोनों में आ जाना चाहिए, लेकिन शायद नेम जो है ना वो नेम अलग अलग होगा जब आएगा शायद, करंट पासवर्ड तो ये खुद ही लिखा हुआ दे देता है। इसमें आके अब मैं जनरेट का जब बटन दबाऊँ ना, तो दोनों में लिखा हुआ आना चाहिए, दोनों में आ गया।
सही है। अच्छा पहले क्यों नहीं आ रहा था, पहले दोनों का ना नेम सेम हुआ हुआ था, ये नेम ना जाहिर है नेम यूनिक होना ज़रूरी है फॉर्म के अंदर, तो इसलिए वो उसको लग रहा था कि एक ही फील्ड है ये दोनों, तो मैंने नेम को थोड़ा सा चेंज किया, वन लगा दिया इसके ऊपर समझ लो एक तरह से, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये जनरेट न्यू पासवर्ड से इसने मुझे क्या दिया, एक न्यू पासवर्ड जनरेट करके दे दिया खुद से। अच्छा ये जो टैग्स हैं ये सिमेंटिक एट्रीब्यूट्स हैं, काइंड ऑफ टैग तो नहीं है ये, एट्रीब्यूट है, तो ये सिमेंटिक एट्रीब्यूट है और ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी कर सकता है, कुछ ब्राउज़र में ये जनरेट न्यू पासवर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है ना हो। ठीक है, और अब मैंने चेंज पासवर्ड का बटन प्रेस करना है तो क्या होगा, वो ये तीनों चीज़ें मेरे पास सर्वर पे पहुंच जाएंगी और ये जो प्रोसीड चेंज पासवर्ड है ना, अब इसकी बारी है कि अब इसमें मैंने क्या कोड लिखना है, वो उसकी बारी है। कौन सी इनिशियल वैल्यू, फॉर्मिक तो यूज़ ही नहीं हो रहा इसमें, है फॉर्मिक यूज़ नहीं हो रहा इसमें, नहीं हो रहा फॉर्मिक यूज़, बस ये टारगेट से डायरेक्ट चेंज हो रहा है, सेट ओल्ड पासवर्ड और सेट न्यू पासवर्ड। सही है, तो मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा होगा, मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा कि यार इस नाम की एक एपीआई होगी वो आपने कॉल करनी है, राइट, चेंज डैश पासवर्ड, इसमें ओल्ड पासवर्ड भेजूंगा मैं और न्यू पासवर्ड भेजूंगा मैं, बल्कि ओल्ड पासवर्ड को शायद मुझे करंट पासवर्ड कर देना चाहिए, सही है करंट पासवर्ड होना चाहिए, ओल्ड थोड़ी है ये, सेट करंट पासवर्ड और करंट पासवर्ड। अच्छा इसी तरह ये जो सिर्फ पासवर्ड लिखा हुआ है इसको मुझे क्या कर देना चाहिए, न्यू पासवर्ड कर देना चाहिए, वेल अभी छोड़ो अभी काफ़ी है, करंट पासवर्ड और पासवर्ड ये फिलहाल, क्रेडेंशियल ट्रू भेजना है मुझे क्योंकि ये जो एपीआई होगी ना चेंज पासवर्ड की, ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई होगी, यानी जो बैरियर लगा हुआ मेरा जेडब्ल्यूटी को चेक करने का उसके बाद वाली होगी, तो इसलिए ट्रू रख के भेजना मेरे लिए ज़रूरी है। अच्छा जब इसका रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास तो मुझे कुछ डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, तो डिस्पैच कुछ भी नहीं होगा, जस्ट यूज़र को मैंने क्या दिखाना है, स्क्रीन पे दिखा देना है कि भाई आपका ना वो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, सही है पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, दैट्स इट। तो ये सेट रिजल्ट जैसे ही मैं करूँगा, ये सेट रिजल्ट मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है, तो ये यूज़र को ना नज़र आ जाएगा कि भाई पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ फ्रंट एंड का मेरा काम इस पॉइंट पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा मैं ई डॉट रीसेट कर दूँगा, इससे क्या होता है कि मेरा फॉर्म जो है रीसेट हो जाता है, ठीक है इवेंट डॉट रीसेट, क्योंकि मैंने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो सबमिट करने पर ऑटोमेटिकली फॉर्म मेरा क्लियर नहीं होगा, मुझे हाथ से इसको क्लियर करवाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है फ्रंट एंड का काम मेरा कंप्लीट हो गया, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है अब चलो बैक एंड पे आ जाते हैं, चेंज पासवर्ड। अच्छा एक काम करते हैं बैक एंड पे जाने से पहले, यहाँ पे से जो है ना ज़रा इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कॉल करके, ना एक दफ़ा कॉल करके उसको चेक कर लेते हैं, नेटवर्क्स में गया मैं और नेटवर्क्स में जाने के बाद मैंने कहा ओल्ड पासवर्ड 1234, ठीक है, और न्यू पासवर्ड मैंने बोला भाई सजेस्ट करो इसको, भाई क्यों बार बार वो कर रहा है, अपडेट पहले पूछ लेता है। ठीक है अब मैं चेंज पासवर्ड का बटन दबाऊँ ना तो ये रिक्वेस्ट में ये चीज़ जानी चाहिए ऑब्वियसली, रिस्पॉन्स 404 आ रहा है ऑब्वियसली क्योंकि ये एपीआई अभी तक मैंने बैकएंड पे बनाई नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको देखूंगा ना पेलोड में तो ये बिल्कुल सही लेके जा रहा है, करंट पासवर्ड 1234 और न्यू पासवर्ड जो मैंने सजेस्ट करवाया था उससे वो लेकर जा रहा है। ठीक है जी, तो मेरा फ्रंट एंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया काइंड ऑफ, और मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ कि भाई चेंज पासवर्ड फ्रंट एंड कंप्लीटेड, सही है खुश हो गया ये। अब हम आ जाते हैं कहाँ गया मेरा प्रोफाइल डॉट जीएसएक्स, profile
profile.gsx नहीं, changepassword.gsx, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से जाती है, इसको मैं पकड़ के ले आता हूँ, और कहाँ ले आता हूँ मैं भला, ऑथेंटिकेशन वाले में ले आऊँगा मैं काइंड ऑफ APIs, auth.mgs, सही है। यहाँ पे साइन अप है, लॉग इन है, लॉग आउट है, और इसी के साथ साथ मैं एक और क्या ऐड कर दूंगा, राउटर डॉट पोस्ट, और मैं कहूँगा कि यार स्लैश चेंज डैश पासवर्ड, सही है, चेंज डैश पासवर्ड मैंने बिल्कुल सेट लगा दिया। और अब मुझे क्या चाहिए, बॉडी में से ये दोनों चीज़ें चाहिए, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा एक चीज़ है यार, एक चीज़ ये है कि इस, ये तो अनऑथेंटिकेटेड वाली जगह पे खड़ा होगा है ना, ये यहाँ थोड़ी होनी चाहिए, ये इधर नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा सर्वर डॉट एम जी एस से आगे, तो ये जो auth APIs है ये तो अनऑथेंटिकेटेड है, तो मुझे एटलीस्ट या तो ट्वीट API में रखूँगा मैं, या तो इससे नीचे मैं कुछ और बनाऊँगा। अच्छा ये गेट यूज़र जहाँ बना है ना, इस लेवल पे बनेगा ये, है ना, इस लेवल पे बनना चाहिए उसको। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ बना देता हूँ, फिर बाद में एक अलग फाइल बना के ना इस पर हम मूव करवा देंगे इसको। तो कहूँगा ऐप डॉट पोस्ट API स्लैश स्लैश API स्लैश V1 और चेंज पासवर्ड, ऐसे करके करूँगा मैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा और मैं क्या बोलूँगा कि भाई const body equals to request dot body, और मैं बोलूँगा कि भाई body dot current password होगा एक अदर, और body dot new password होगा एक अदर, ठीक है। ये दो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। अच्छा सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र गेट करके लाना है। कैसे गेट करके लाऊंगा मैं यूज़र को, जैसे मैं लॉगिन के लिए लेकर आता था राइट, क्योंकि मेरे पास बंदे की ईमेल मौजूद है। ईमेल कहाँ से मौजूद है, टोकन से मौजूद है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यार const current password equals to this, और मैं बोलूँगा कि भाई new password equals to this, और मैं बोलूँगा const email equals to body dot token dot email, right? अच्छा और इसके अंदर underscore id भी मौजूद है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं email से find करूँ यूज़र को, मैं underscore id से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो underscore id से भी मैं उठा सकता हूँ इसको, एग्जैक्टली मैंने ये काम यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी, सही है। तो मैंने कहा भाई अंडरस्कोर आईडी से उठा लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं ईमेल से उठाऊँ। अच्छा अब मैंने क्या करना है, जो लॉगिन पे जो काम करते थे हम, सेम वही काम करना है कि भाई इस ईमेल से बंदा उठा के लाओ और उसका पासवर्ड मैच करो कि वो पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं लॉगिन की जो पूरे का पूरा लॉजिक है ना, जो लॉगिन के अंदर मैं लगाता था, वो यहाँ पे उठा के ले आऊँगा, ये फाइंड वन वाला, ठीक है, चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट्स, यहाँ पे मेरा फाइंड वन चलेगा पूरा का पूरा वैसे ही जैसा लॉगिन पे चलता है। तो मैंने कहा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, अच्छा यूज़र मॉडल यहाँ पे है ना, हाँ है यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, मैंने कहा भाई अंडरस्कोर आईडी जो है वो ये वाली हो, अंडर स्कोर आई डी से मैंने यूज़र मंगवा लिया। अच्छा मैंने कहा भाई उसका क्या रहा हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बल्कि मंगवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए उसका, उसका सिर्फ पासवर्ड चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं सिर्फ पासवर्ड मंगवा लेता हूँ। अच्छा अब पासवर्ड जो है, अगर तो नॉट एरर है, इसका मतलब है यूज़र मिल गया है मुझे, ठीक है, एल्स मैं उसको यहीं से वापस भेज देता हूँ कि भाई एरर हो गया कुछ, ठीक है। नॉट एरर का मतलब है कि वो है और एल्स में एरर है। अच्छा अब नॉट एरर के अंदर भी मेरे पास है इफ डेटा, इफ डेटा अगर है तो यूज़र फाउंड है, इफ डेटा नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड है, ठीक है।
इसमें भी कोई मेरे ख्याल है कि वो बात नहीं है कोई। ठीक है 404 होगा एक्चुअली, 401 ही होगा इसके अंदर, क्योंकि एक्चुअली अगर यूज़र नॉट फाउंड है ना तो इसका मतलब है टोकन में आईडी गलत है, और टोकन में आईडी गलत होने का मतलब है कि लॉगिन सही तरह नहीं किया हुआ उसने, तो एक्चुअली ये 401 ही होगा। ठीक है जी। अच्छा अब डेटा अगर मिल जाता है मुझे तो उसमें अब असल कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि डेटा अगर मुझे मिल जाता है तो मैं करूँगा क्या। मैं करूँगा ये कि मैं वेरीफाई हैश करूँगा। ठीक है वेरीफाई हैश की स्पेलिंग गलत लाइब्रेरी में ही लिखती है मैंने तो उसका कोई हल नहीं है। ठीक है मैं कहूँगा कि भाई बॉडी डॉट पासवर्ड नहीं ये करंट पासवर्ड, मैं कहूँगा भाई करंट पासवर्ड ये लो आप करंट पासवर्ड। ठीक है और जो डेटा में से जो अभी पासवर्ड आया है उससे मैच करो इसको। अगर ये इस मैच हो जाता है ट्रू तो इसका मतलब है कि पासवर्ड उसने सही बताया बंदे ने। ठीक है मैंने कहा इस मैच ट्रू हो चुका है यहाँ पर। अगर तो इस मैच हो जाता है फॉल्स, ठीक है इस मैच ट्रू की सूरत में, इस मैच फॉल्स होता है तो भी मैं 401 करके घर भेज दूंगा उसको। सही है अगर इस मैच हो जाता है ट्रू तो पहले मैं यहाँ पे JWT का टोकन साइन करवाता था। ठीक है अब मैं JWT का टोकन साइन नहीं करवाऊंगा। राइट अब मैं JWT का टोकन साइन नहीं करवाऊंगा। अब मैं क्या करवाऊंगा, अब मैं बोलूंगा कि भाई इस जो नया पासवर्ड बंदे ने दिया है ना, अभी जो नया पासवर्ड लेकर आया उसका पहले तो हैश बना दो क्योंकि डेटाबेस में अब वो पासवर्ड जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा कि भाई स्ट्रिंग टू हैश। सही है स्ट्रिंग टू हैश को मैं पहले क्या देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ प्लेन पासवर्ड। तो मैं बोलूँगा भाई न्यू पासवर्ड जो है ना ये वाला जो अभी लाया है ये बंदा, ठीक है ये न्यू पासवर्ड जो बॉडी में डाल के भेजा है इसका आप क्या बना दो, हैश बना दो। तो डॉट देन में मुझे क्या मिल जाएगा, इसका हैश मिल जाएगा। ट्राई कैश भी लगा सकते हैं, यही बात है। न्यू हैश कर देता हूँ मैं इसको, यानी कि न्यू पासवर्ड का हैश। अच्छा अब जब मुझे कि ये हैश मिल जाएगा तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपडेट की क्वेरी लगानी है। ठीक है तो मैं बोलूँगा कि यूज़र मॉडल डॉट अपडेट। ठीक है और अपडेट को मुझे क्या देना होता है, अपडेट में क्या बोल रहा है, डेप्रिशिएटेड हो गया ये, अपडेट में कह रहा है कि पहले फिल्टर देना होगा। अच्छा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट चलेगा अब इसकी जगह, डेप्रिसिएशन तो बता ही नहीं रहा है कि क्या हुआ। दिस सिग्नेचर फिल्टर फिल्टर दिस 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 इज डेप्रिशिएटेड, द डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज डेप्रिशिएटेड, तो इसकी जगह क्या यूज करे बंदा, इसकी जगह ये चलेगा। देख लेते हैं गूगल करके कि क्या चल रहा है इसकी जगह। वैसे तो अपडेट का 3-4 आइटम है हमारे पास, हाउ टू फिक्स द डिक्लेरेशन दिस दिस दिस, यहाँ पे किसी ने जवाब दिया हुआ होगा। भाई क्या सवाल पूछा इसने, अच्छा ये स्ट्रेट क्वेरी का पूछा है इसने, फाइंड एन अपडेट वन मोर दिस दिस दिस। मंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में चल रहे थे ना, मंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं अपडेट में। क्वेरी हाँ डॉट अपडेट तो इसमें है ही नहीं, लिस्ट में खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है तो जो यहाँ पे लिस्ट में है मतलब हम बोझ कर लेते हैं, फिर अपडेट वन पे चलते हैं। अपडेट वन आ गया, सही है। अपडेट वन में हमें क्या देना होता है, एक अदद फिल्टर और उसकी जगह जो भी नया डेटा मुझे रखना है वो देना होता है। सही है अपडेट वन लगा देते हैं। तो फिल्टर सबसे पहले मुझे क्या देना है कि बंदे की जो अंडर स्कोर आई डी हो ना वो क्या हो, अंडर स्कोर आई डी की इक्वल हो। ठीक है अंडर स्कोर आई डी ये मैंने ऊपर सेट करवाई हुई है यहाँ पे, इसके इक्वल हो। सही है कॉमा लगा के अब मुझे अपडेट क्या चीज़ करवानी है, मुझे अपडेट में जो चीज़ें दूंगा ना मैं वही चीज़ें चेंज होंगी, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रहेंगी। सही है तो मैंने कहा भाई पासवर्ड जो है ना उसको चेंज करके क्या कर दो, उसकी पासवर्ड में जो पहले था उसको हटा दो और न्यू हैश उसकी जगह पे रखवा दो।
ठीक है, और ये क्या देता है मुझे, प्रॉमिस देता है? नहीं, ये मोंगो डॉट क्वेरी देता है। ठीक है, तो इसके आगे मुझे डॉट एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, डॉट एग्जीक्यूट इसका मतलब है। सही है, तो मैंने कहा भाई ये यूज़र मॉडल डॉट अपडेट वन, ये मेरा क्राइटेरिया है, इस चीज़ को अपडेट करना है, और डॉट एग्जी मुझे क्या देता है, प्रॉमिस देता है। हाँ, प्रॉमिस देता है मुझे। तो बस मैं यहाँ पे इसके कॉल बैक एक दे देता हूँ, डॉट देन भी लगा सकता हूँ, एसिंक का वेट भी लगा सकता हूँ। मेरा ख्याल है एसिंक का वेट लगाते हैं यार हम सब जगह, एसिंक का वेट लगाते हैं ना। मैं कहता हूँ अवेट, और मैं कहता हूँ कॉन्स्ट अपडेटेड। ठीक है, अवेट लगा देता हूँ। ठीक है, इस पर भी अवेट लगा देते हैं, इस पर भी अवेट लगाते हैं यार। ये हम डॉट देन क्यों लगा रहे हैं बिना वजह? मैंने कहा भाई ये न्यू हैश, कॉन्स्ट न्यू हैश इक्वल्स टू अवेट। सही है, अवेट के साथ लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यार इसमें ट्राई कैच लगाना पड़ता है, और डॉट देन में भी कहानी घूम फिर के वहीं आ जाती है। ठीक है, एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं इसकी एरर हैंडलिंग करूँ ही ना सीरियसली। ठीक है, अच्छा, इसकी एरर हैंडलिंग वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, क्योंकि ये नेटवर्क कॉल नहीं है, ये लोकल फॉर लूप चला के उसको बना रहा होता है। तो इसकी अगर हम एरर हैंडलिंग ना भी करें ना, तो नॉट अ बिग डील ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, इसकी मुझे एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी जो MongoDB वाला है, क्योंकि ये नेटवर्क कॉल है और ये बहुत भंड मार सकता है। ठीक है, इसकी एरर हैंडलिंग में क्या बोलूँ अब मैं इसको यार, एरर हैंडलिंग में इसको मैं क्या बोलूँ? अच्छा, ये अवेट जहाँ जहाँ मैंने लगाया ना, इसके लिए फंक्शन का एसिंक होना भी ज़रूरी है। फंक्शन को एसिंक बना दिया मैंने, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड। ओके, गॉट इट। ये असल में वेरीफाई हैश भी इस पर भी देन लगा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई हैश को भी क्या कर देता हूँ, एसिंक अवेट वाला बना देता हूँ। ठीक है, डॉट देन हट जाएगा इसके ऊपर से भी। सही है, मैंने कहा इस मैच और अवेट, और ऐसे करके चला दिया था। तो यूजर फाउंड होने की सूरत में मैंने सबसे पहले क्या किया, वेरीफाई किया कि भाई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो मैंने एक नया हैश बनाया, और नया हैश बनाने के बाद उसको MongoDB में अपडेट करवा दिया। ठीक है, और console.log response.send ठीक है। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल सा एक एरर बना रहा हूँ यार। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे मेरे पास अगर कोई एरर नहीं आता है इस ट्राई के कैच में, तो इस जगह पे मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भेजना है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो ये जो नीचे वाली सारी चीज़ें हैं, ये मेरे लिए क्या है, ये वाला रिस्पॉन्स नहीं भेजूंगा मैं एक्चुअली, इसको कट करके मैं इधर लाऊंगा। ठीक है, और मैं जस्ट यहाँ पे मैसेज में ये बोलूँगा कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल। पासवर्ड चेंज सक्सेस। सही है जी, हमारा हमने अपनी API क्या कर ली है, पासवर्ड चेंज वाली कंप्लीट कर ली है। अच्छा, ये जो चीज़ बन रही है ना, ऐसे यूँ ऐसे आगे आ रहा है, और ये फिर ऐसे यूँ पीछे जा रहा है, ये देख रहे हो,
इसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प, इसको हम क्या कहते हैं, इससे बचने के लिए एसिंक का वेट जो बना है ना वो असल में इसी से बचने के लिए बना है, अदरवाइज वो कॉल बैक में ना वो एक एक इंटेंट आगे बढ़ते 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 वो बहुत आगे चले जाता है। हाँ ऐसा ही है, असल में यही करते हैं हम असल में करते ही हैं कि ये ट्राई कैच ना हर जगह लगाने के बजाय, अभी तो असल में हर जगह मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि यहाँ पे आ रहा है, इसलिए लगा रहा हूँ, वरना ये ट्राई कैच ना इस तरह सब पे नहीं लगाते, ये एक्चुअली करते क्या है, एक टॉप पे यहाँ से कट किया इसको और टॉप पर लगाते हैं एक ट्राई और एक इधर टॉप पर लगाते हैं, सही है, एक ट्राई इधर लगता है, फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि एरर कहाँ पर आया है, बस वो लेकिन हैंडल हो जाएगा एरर, यूज़र को ये बता देगा कि वो क्या हुआ है, यूज़र को वो ये बता देगा कि भाई 500 हो गया है, आपको जो करना है वो कर लो आप, सही है, इधर आ गया ना वो बोलेगा कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500.send, दैट सेंड, यूज़र को यानी बैक रिप्लाई बैक जो करेगा ना वो बोलेगा भाई बस 500 हो गया, अभी जो करना है देख लो अपने हिसाब से, सही है। अगर मैं इसको भी ये हटा दूँ ना इस पर से, ये कॉल बैक हटा दूँ इस पर से मैं, तो हमारा ये वाला ना तब भी सेट हो जाएगा मसला, सही है। तो मैंने और कहाँ पे लगाया हुआ ट्राई कैच, ये यहाँ लगाया हुआ ना ट्राई कैच, इसको मैं हटा सकता हूँ, बहुत इजीली हटा सकता हूँ, सही है, ये हट गया, सही है। तो अब देखो कोड सीधा हो गया थोड़ा, सही है, लेकिन स्टिल जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ जाती है ना ये काम करने की तो वहाँ पे मुझे करना पड़ता है, सही है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने जो ये हर जगह ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, इसकी जगह मैं जावास्क्रिप्ट का एरर भी थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक अपना एरर का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो अगर मैं थ्रो करूँगा ना तो वो कैच में ही पहुँचेगा अल्टीमेटली, तो इसको ना कॉल बैक हेल्प को हम थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा वो कैसे रिड्यूस करेंगे हम, ये जो मेरा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन है ना, इसको भी मैं एसिंक का वेट वाला बना देता हूँ, इसको एसिंक का वेट वाला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से पहले तो ये इसका फंक्शन कट करके बाहर निकालना होगा, ठीक है, फंक्शन मैंने कट कर दिया इसका, अब इस पर मैं डॉट एग्जीक्यूट लगाऊंगा ऐसे करके और यहाँ पर लगा दूंगा अवेट, और इसका जो भी मेरे पास वो डेटा आता था ना, जो इस फंक्शन में आता था जो डेटा, वो क्या था, डेटा था एक्चुअली, डेटा नहीं होगा ये यूज़र होगा, सही है, ये यूज़र होगा एक्चुअली, सही है, यूज़र होगा। तो अब ये यूज़र मुझे कहाँ पे मिल रहा होगा, इस इधर मिल रहा होगा, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू ऐसे करके, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा, सही हो गया। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा, अच्छा अब ये यूज़र, या तो मुझे यूज़र मिलेगा या तो मुझे नल मिलेगा इसमें, समझ रहे हो, मुझे या तो इसमें यूज़र मिलेगा या तो इसमें नल मिलेगा, तो ये मेरी लॉजिक भी चेंज हो जाएगी। अब जो नॉट एरर करता था ना मैं, अब मैं नॉट एरर नहीं करूँगा इसको, अब मैं बोलूँगा कि यूज़र या नल, इस पर गेम होगा, ठीक है। अच्छा अगर तो इसमें कोई एरर आता है, अगर तो क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट लगाया ना, अब अगर इसमें कोई एरर आता है तो ये सीधा इधर कैच में पहुंच जाएगा, दैट्स इट, सही है, एरर के केस में ये उधर रुके भी नहीं। तो मैं अब यहाँ पे इस लॉजिक को कैसे कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई इफ नॉट यूज़र अगर है, एल हटाऊँ इसका, मैं इसको बोलूँगा कि इफ नॉट यूज़र अगर है सही है, नॉट यूज़र अगर है तो क्या करो आप, थ्रो एरर करो, सही है, ये है प्रॉपर तरीका इस काम को करने का। तो अब यहां से जब मैं एरर थ्रो करूंगा ना तो ये सीधा इस कैच में पहुंच जाएगा, समझ रहे हो बात, और अब मैं क्या करूंगा, नॉट एरर को मैंने, अगर ये नॉट एरर हुआ, नॉट यूज़र हुआ, तो इधर से आगे मेरा कोड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने थ्रो असल में रिटर्न के इक्वेलेंट होता है, तो थ्रो जहाँ मैंने कर दिया ना तो उससे आगे नहीं बढ़ता फिर, वहाँ रुक जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिखूँ ना, वैसे ब्रैकेट में करके लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लगाता हूँ तो ये अनरीचेबल कोड देखो ऑटोमेटिकली इसने बता दिया, क्योंकि जहाँ थ्रो हो जाता है ना वो रिटर्न के ही इक्वेलेंट होता है, तो उससे आगे नहीं बढ़ता कोड। तो ये इफ़ नॉट यूज़र अगर मैंने किया है, इसमें मुझे एक पहली बात तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इफ़ के अंदर अगर सिंगल लाइन हो तो उसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब देखो मेरा जो कॉल बैक हेल्थ था ना वो कैसे रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया है,
बिल्कुल अलिफ की तरह एकदम नीचे आ गया, सीधा हो गया। ठीक है, अब मैं ये नॉट यूज़र के ऊपर आगे जो ये इफ 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 लगाया हुआ ना मैंने इतना सारा, ये इफ भी मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नॉट यूज़र को मैंने यहाँ हैंडल कर लिया। एरर आएगा तो वो खुद ही कैच में जाएगा नीचे, तो मेरे पास अब डायरेक्ट क्या होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से अब शुरू करूँगा आगे कहानी। ठीक है, ये हट गया मेरा और ये भी हट गया। ठीक है, अब यूज़र होगा तो इस लाइन से आगे बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली यूज़र होगा तो इस लाइन से आगे बढ़ेगा। तो अब मैं अगली लाइन में बोलता हूँ डायरेक्ट के भाई करंट पासवर्ड और यूज़र डॉट पासवर्ड, दैट्स इट। सही, अच्छा अब अगर ये मैच होता है या नहीं होता, ये इसमें भी देखो कॉल बैक ना ये आगे बढ़ रहा है, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसी सूरत में क्या करता हूँ, ये जो एल्स वाला केस है ना इसको मैं पहले हैंडल करता हूँ। तो बजाय मैं मैच बोलने के, मैं इसमें बोलूँगा इफ नॉट मैच, नॉट इज मैच, पहले मैं ये बोलूँगा इधर, तो मैं बोलूँगा थ्रो न्यू एरर, मैं बोलूँगा भाई मे बी के पासवर्ड मिस मैच, ये बोल के ना बस ये मैं इफ हटा दूंगा, इस इफ की मुझे ज़रूरत नहीं है। सही है, मेरा कॉल बैक बिल्कुल हेल्प बिल्कुल ख़त्म हो गया कॉल बैक वाला, और ये जावास्क्रिप्ट वो वाली जावास्क्रिप्ट लग भी नहीं रही है ना, ये थ्रो एरर पहली दफ़ा हमने सुना है आज इस क्लास में। तो मैंने बोला भाई नॉट यूज़र है तो थ्रो एरर यहीं पे गेम ख़त्म कर दो, फिर नॉट मैच है तो थ्रो एरर यहीं पे ख़त्म कर दो। उसके बाद मैंने कहा भाई न्यू हैश बनाओ, न्यू हैश के अंदर मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया, इसमें अगर कोई कैच आता है तो वो डायरेक्ट, ये एक ही कैच है नीचे जो सबका पेरेंट है। सही है, तो ये ढूंढते ढूंढते निकलेगा इसको अपने पेरेंट में, उसके जहाँ पे कैच मिल जाएगा उधर वो पकड़ा जाएगा। सही है जी, तो मैंने न्यू हैश बना दिया, अपडेटेड ये लगा दिया मैंने, और बस ये अपडेटेड जैसे ही हो जाता है, इस अपडेटेड का भी मैंने कैच नहीं लगाया तो वो कैच इसका भी यही वाला ही रहेगा। तो जैसे ही ये अपडेटेड हो जाता है तो क्या होगा, अच्छा इसमें मुझे इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अवेट ऐसे भी लगा सकता हूँ। तो कोड मेरा क्या हो गया, काफ़ी क्लीन हो गया इससे। हाँ सर्वर नहीं क्रैश करेगा ना इससे, क्यों करेगा, यहाँ पे मैंने इसको कैच कर लिया ना, देखो इधर से मैंने थ्रो किया, इधर मैंने कैच कर लिया पेरेंट पे। ये जब थ्रो होता है ना एरर तो अपने पेरेंट पे जाता है, फिर पेरेंट पे जाता है, फिर पेरेंट पे जाता है। तो तुमने अक्सर नोट किया होगा एक बात लिखी हुई थी, अनहैंडल्ड एरर है ना, मतलब ये कि एरर थ्रो किया था किसी ने भी, लाइब्रेरी ने थ्रो किया था या आपने खुद करवाया, ये जो लाइब्रेरी थ्रो करती है ना एरर, ये मैंने खुद करवाया अपने हाथ से। तो वो कह रहा है एरर थ्रो तो किया है लेकिन उसको किसी ने कैच नहीं किया। समटाइम लिखा होता है अनकाउच एरर, अन और काउच का मतलब होता है कैच नहीं किया किसी ने, तो कह रहे हैं कि ये ऐसा एरर है जिसको किसी ने कैच नहीं किया। अच्छा अगर एरर कैच नहीं करता है कोई तो वो क्या करता है, पहले तो अपने प्रोग्राम के अंदर अंदर वो पेरेंट 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 पे जाता है, अल्टीमेटली वो बाउंड्री पे पहुंच जाता है। तो वो जैसे ही जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से बाहर निकलता है ना तो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, समझ रहे हो। तो अगर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में टॉप लेवल पे एक ट्राई और नीचे एक कैच लगा दिया तो आपका प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं होगा, जैसा मर्जी एरर आ जाए क्रैश नहीं होगा, वो कैच में आएगा, जो टॉप लेवल पे जो कैच है उस पे आएगा और वहाँ पे आपने जो भी कंसोल वंसोल किया होगा वो हो जाएगा, लेकिन क्रैश कभी भी नहीं होगा, जो रुक जाता है ना प्रोग्राम हमारा वो नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा करना भी अब किस हद तक काबिल कबूल है, वो केस टू केस वेरी करेगा। आमतौर पर जो है ना जो एरर रिपोर्टिंग होती है वो इस तरह ही से करते हैं लोग ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये काम सर्वर में कर रहा हूँ तो मुझे उस कैच में रिस्पॉन्स डॉट सेंड लाजमी लगाना चाहिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो किसी रिक्वेस्ट ही आई होगी कोई जो बीच में ब्रेक हो गई है। तो जब मैं टॉप लेवल पे अगर कैच लगाता हूँ तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड मुझे लाजमी करना होगा। अब रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैं किसके साथ करूँ, 401 500 क्या लिख के भेजूँ, मोस्ट प्रोबेबली 500, लेकिन स्टिल ये केस टू केस वेरी करेगा। अच्छा इतने ज़्यादा टॉप लेवल पे कैच तक अगर आपका एरर जा रहा है ना तो ये भी एक गलती है आपकी, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे अगर आपने ट्राई कैच लगाया है तो आपका एरर कभी भी टॉप लेवल तक जाना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे केस में अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है इस सर्वर में, इसमें हमारा एरर कभी भी हमारी एपीआई के फंक्शन से बाहर नहीं जाता। हमने ऐसे प्लान किया उसको कि वो ऐप डॉट पोस्ट और ये चेंज पासवर्ड के अंदर अंदर ही घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है, टॉप लेवल पर नहीं जाएगा। अब फिर एक एक्सप्रेस का अपना भी एरर हैंडलर होता है,
उसका भी लोग यूज़ करते हैं। अब वो आप अलग से देख लीजिएगा कि एरर हैंडलर जो एक्सप्रेस ने एक अपना बना के दिया हुआ है वो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ आमतौर पर, लेकिन लोग करते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा भाई काम हो गया, ओके काम हो गया। चलते हैं अब इसको फ्रंट एंड से कॉल करके देखते हैं इस एपीआई को। ओके, ये क्या हुआ, लॉग आउट हो गया, सर्वर मेरा क्रैश हो गया। एक्चुअली ये कौन से पे दे रहा है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन पे ये मुझे एरर दे रहा है। यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन कहाँ है मेरा, ये ना इस पे एरर दे रहा है। अच्छा, मैंने ये इसको एसिंक नहीं बनाया है, ठीक है। जो इसका पेरेंट फंक्शन है वो एसिंक हो गया, तो ये अब सेट हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं प्रोफाइल पे गया, चेंज पासवर्ड पे गया, और यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड दे दिया जो मेरा क्या था, इसको मैं व्यू करूँ ज़रा पासवर्ड। ये मेरा पासवर्ड जो था, टाइप को मैं हटाऊंगा तो ये दिख जाता है 1 2 3 4 5 मेरा करंट पासवर्ड है, राइट। और अब मैं इसको क्या करने लगाऊँ, 1 2 3 4 5 पांच दफ़ा 1 में लगाने लगाऊँ नए पासवर्ड में, ठीक है। नेटवर्क में जाता हूँ मैं, चेंज पासवर्ड का बटन दबाता हूँ और पेलोड देखता हूँ मैं। पेलोड बिल्कुल सही लेकर गया ये, लेकिन सामने से कुछ एरर आ गए, वेरीफाई हैश इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, वेरीफाई हैश ऊपर मैंने इम्पोर्ट नहीं किया हुआ, सही इम्पोर्ट नहीं किया हुआ तो ऊपर दोबारा हिट किया मैंने, ठीक है जी। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आया, प्रीव्यू पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो ये मैं उस पुराने पासवर्ड से अब लॉग इन। अच्छा, यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वो यूज़र नेम खाली दे रहा है। यूज़र नेम खाली इस वजह से दे रहा है कि जो है ना हमने कोई गड़बड़ की है यहाँ पे। अबे कैसे था ये, इंस्पेक्ट एलिमेंट, नो थैंक्स, सही है। तो 1 2 3 4 5 अगर मैं दूंगा तो इसको एरर देना चाहिए, क्योंकि ये पुराना हो चुका है पासवर्ड, ठीक है। इसमें 401 दे दिया, और जब मैं इसको दूंगा 1 2 3 4 5 ये मेरा नया पासवर्ड है, लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन हो गया, सही है। पासवर्ड चेंज जो था हमारा वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे ये अपडेट पासवर्ड पूछ रहा है 11, तो मैंने कहा भाई अपडेट, तो ये अपडेट हो गया, सही है। लॉगिन के फॉर्म पे मुझसे पूछा है इसने, इसका मतलब है लॉगिन का फॉर्म हमारा सही बना हुआ है, लेकिन फॉरगेट जो चेंज पासवर्ड है उस फॉर्म में स्टिल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं चेंज करता हूँ तो वो रिमेंबर वाला देता है ऑप्शन, लेकिन सिर्फ उसमें पासवर्ड लिखा होता है, यूज़र नेम उसमें नहीं लिखा हुआ होता है। ये ट्वीट की एपीआई को क्या हो गया यार, एपीआई पागल हो गई है। इसको मैं कुछ लिख के सबमिट करता हूँ तो जाता क्यों नहीं है यार, 404 वो तेरी। अच्छा, इस पर अभी तक प्रोडक्ट लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। प्रोफाइल से अगर मैं करूँ तो यहाँ भी प्रोडक्ट लगा हुआ है, 500। पता नहीं, ट्वीट काम ही नहीं कर रहा। ट्वीट्स भी नहीं काम कर रहा, ये क्या हुआ भाई, सब जगह 500 आ जाता है। ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये ट्वीट्स की एपीआई को क्या हो गया भाई। प्रीव्यू सर्वर एरर, सर्वर एरर, टोकन है ना, वो थोड़ी चेंज होगा। टोकन और अंडरस्कोर आईडी और ईमेल, जो चीज़ें टोकन में वो तो सही है, वो तो अपनी जगह पर है, वो थोड़ी चेंज हुई है, सही है। पासवर्ड तो सिर्फ लॉगिन के वक्त यूज़ होता है ना, बाकी तो कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। तो इस ट्वीट की एपीआई को ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि इस पर क्या हो गया, ठीक है। ट्वीट की एपीआई जो है ना, पोस्ट ट्वीट जब हम करते हैं तो यहाँ पर कोई एरर आ रहा है जो कि प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इस पर हम ट्राई कैच लगाते हैं गलत,
ताकि हम उस एरर को देख सकें कि वो एरर क्या है। ठीक है, अब ऐसा कोड, ये वाला जो कोड है ये कितना डिफरेंट है उस वाले से, अंदर अंदर आया हुआ है, कॉल बैक हेल में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपडेट करके जो नया ट्राई कैच वाला सिंटैक्स है उसके ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई कैच लगा दिया ताकि मैं उसको देख सकूं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एरर है ना वहाँ वहाँ पे मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये प्रिंट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट ट्वीट, और यहाँ पे डॉट क्रिएट है, इसमें एरर है, यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअली मुझे इसको प्रिंट करवाना है। कंसोल डॉट लॉग एरर, सही है। अब मैं जब यहाँ से ट्वीट पोस्ट करूँगा तो मुझे वो एरर दिख जाना चाहिए कि वो एक्चुअली में क्या एरर है। ठीक है, बकवास है यार, सर्वर एरर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, नॉट एरर। समझ आ रहा है क्या हो रही है? इज रिलेटेड फॉल्स, टेक्स्ट भी आ रहा है, सही है, यानी डेटाबेस में तो ये क्रिएट हो रही है ट्वीट, डेटाबेस में तो ट्वीट क्रिएट हो जाती है। अब जो यहाँ से मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ट्वीट्स जब गेट होती है तो इसमें भी सर्वर एरर आ जाता है, तो अब ट्वीट्स वाले को देख लेते हैं ज़रा। ये है गेट ट्वीट्स, यूजर आई डी मोंगो डीबी की यूजर आई डी है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। राउटर राउटर सही तो है, बिल्कुल सब कुछ सही है, ट्वीट एपीआई tweet.mjs सब कुछ परफेक्ट है, कोई छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा। सेव्ड तक तो सही चल रहा है, ये वाला कंसोल आ रहा है, और ये वाला कंसोल आने के बाद क्या हो रहा है, वो 500 हो जा रहा है। अजीब सी बात है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये ट्वीट तो सही चलने लग गया, ट्वीट चल रहा है, और जब ऑल ट्वीट्स गेट होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्वीट्स तो चल रहा है ये वाला, ये शायद मैंने ही, अच्छा मसला असल इसी में ही है। ट्वीट मॉडल डॉट फाइंड, और ऑनर जो है उसका ये वाला हो, यूज़र आईडी, और डिलीटेड फॉल्स हो, सही है, और इसमें कहीं पे भी एरर आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ क्या, हाँ एरर पकड़ता हूँ मैं, इस एरर को यहाँ कंसोल नहीं करवाया था मैंने।
इस एरर को कंसोल करवा देता हूँ ना, रिफ्रेश। ओके, ऑनर के नाम से कह रहा है मुझे मिल ही नहीं रहा कुछ, ये पॉपुलेट करवाया ना जो मैंने कल, तो सही मिल गया था यार ये, आज कह रहा है ऑनर के नाम से मुझे मिल नहीं रहा कुछ। स्ट्रिक्ट पॉपुलेट एरर, कैन नॉट पॉपुलेट पाथ ऑनर बिकॉज इट इज नॉट इन योर स्कीमा। है तो सही मेरे पास यार, ये ट्वीट मॉडल के अंदर ये नहीं है क्या? चलते हैं देख लेते हैं जरा, ये मेरा ट्वीट स्कीमा है। ओ ऑनर नेम कैसे आ गया इसमें? ओ यस, लास्ट टाइम मैं वो समझाने के लिए मैंने ऑनर हटा के ऑनर नेम कर दिया था। कह रहा हूँ यार सब कुछ चलता हुआ था, ये बंद कैसे हो गया? सही आ गया रिजल्ट। अरे लेकिन एक ट्वीट क्यों आई है इसमें? मैंने तो इतनी सारी भेजी हुई थी। अब सही आती जा रही है। हाँ ओके गॉट इट, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम था, अभी अब डिलीट को दिया हो गया, डिलीट में एरर आ रहा है। अब डिलीट में क्या एरर आया? बॉडी इज नॉट डिफाइंड, डिलीट के अंदर ये एरर आ रहा है कि बॉडी इज नॉट डिफाइंड। डिलीट ये है सिंगल ट्वीट को डिलीट करने वाला आइटम, चलो बॉडी बना देते हैं यहाँ पर। सही है, ये बॉडी डॉट टोकन मैंने लिखा है ना, तो यहाँ बॉडी अलग नहीं हुई हुई थी इस वजह से एरर आ रहा था। तो अब देखते हैं, सही हो गया, डिलीट भी सेट हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे इशूज़ हैं ज़ाहिर है, जब इतना बड़ा कोड बेस हमने जो बना लिया है अभी तो, और समझाने की गर्ज से मैं बहुत सारी चीज़ें छेड़ भी दे रहा हूँ उसके अंदर, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। वेल तो अब मैं इसको कहता हूँ कि यार सर्वर चेंज पासवर्ड API कंप्लीटेड, एंटर दिस दिस दैट। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए भला? अब मुझे फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड के लिए सबसे पहले फ्रंट एंड तैयार कर लेते हैं। फ्रंट एंड में मुझे क्या चाहिए होगा फॉरगेट पासवर्ड को लेके? अरे हो जाएगा 10 मिनट में ही हो जाएगा बच्चा, टेंशन में क्यों आ रहे हो? तो चेंज पासवर्ड जो है इसी को मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या भला? फॉरगेट पासवर्ड, सही है, .jsx, ये फॉरगेट पासवर्ड .jsx हो गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है भला? सबसे पहले तो मेरा जो नेविगेशन जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउटर जो है मेरा, इसमें मैं इसको सेट करवा देता हूँ कि भाई साहब जब क्या हो, जब बोला जाए ना कि फॉरगेट डैश पासवर्ड, तो आपने ये वाला पेज दिखा देना है। और ये पेज मिलेगा कहाँ से आपको? ये पेज आपको यहाँ से मिलेगा। सही है, फॉरगेट पासवर्ड, हाँ क्या कह रहे हो? लॉगिन राउटर में जो है लॉगिन होगा तब दिखाने का। ओह यस यू आर राइट, ये जो है ना कट किया इसको मैंने यहाँ से, ये चेंज पासवर्ड यहाँ नहीं होगा, सही कह रहा है, लॉगिन फॉल्स पे होगा ना ये, तो हाँ बिल्कुल सही बताया यार तुमने। अच्छा तो ये फॉरगेट पासवर्ड आ गया मेरे पास, और अब मैंने क्या करना है? ऑब्वियसली ये चीज़ मैं कहाँ रखता हूँ? लॉगिन के पेज पे इसका बटन प्लेस करूँगा मैं कि भाई आप क्या करोगे, जो मेरा लॉगिन का पेज है वो कहाँ है? लॉगिन का पेज मेरा login.jsx, यहाँ पे मेरे पास ना कहीं क्या होना चाहिए, ये बात लिखी हुई होनी चाहिए फॉर्म के भी बाद,
यहाँ पे ये बात लिखी भी होनी चाहिए कि भाई आप जो है ना कहाँ चले जाओ भला। अच्छा ये मैं कहाँ से उठा के ले आता हूँ, ये मैं उस प्रोफाइल डॉट जी एस एक्स पर मैंने बटन बनाया था ना जो एग्जैक्टली मुझे वही बटन चाहिए यहाँ पे। मुझे ये बटन चाहिए एक्चुअली, कहाँ पे चाहिए, लॉगिन के पेज के ऊपर। और इसमें मैं क्या बोलूँगा, फॉरगेट पासवर्ड, सही है। ठीक है, दिस इज फॉरगेट पासवर्ड पेज, मैंने इस पर हेडिंग लगा दी है। और ये क्या हो गया, इसको लिंक क्या नहीं मिला हुआ ना, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। चलो कहाँ से मैंने उठाया था इसको, प्रोफाइल डॉट जे एस एक्स से उठाया था ना, तो प्रोफाइल पे ही ये इंपोर्ट हुआ है। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करके सही हो गया, वेबसाइट हो गया ये बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ लॉगआउट, सबसे पहले रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये लॉगआउट पे ही रहेगा। लॉगआउट पे मुझे ये फॉरगेट पासवर्ड का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग जाहिर है अभी हम नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो फॉरगेट पासवर्ड का बटन दबाते ही ये दिस इज़ फॉरगेट पासवर्ड करके एक मेरे पास ये आ जाता है। अच्छा, अब फॉरगेट पासवर्ड में मुझे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या भला, ईमेल और बस, ईमेल चाहिए होती है ना, तीन क्यों। ठीक है, तो ये सारी नंबर नहीं है ना हमारे पास अभी, अल्लाह के बंदे अभी नंबर भी ऐड कर दूंगा मैं, नंबर ऐड करने में क्या है, जब ईमेल ईमेल और नंबर एक्चुअली एक ही चीज़ है ना, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जिसके ज़रिए आप यूज़र को मैसेज भेज सकते हैं, तो वो ईमेल और फोन नंबर असल में एक ही बात है। अच्छा, तो अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं उसको इसके कंपोनेंट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, और अब इसको मैं ऊपर से लेके नीचे तक एक देखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है। नंबर एक, रिजल्ट मुझे चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाऊँगा मैं। ईमेल मुझे चाहिए, पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पासवर्ड की जगह मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक्चुअली पासवर्ड की जगह चाहिए होगा ओटीपी, सही है, या बल्कि नहीं, ओटीपी भी तो मुझे बाद में मिलेगा ना, ओटीपी मुझे बहरहाल इसमें चाहिए होगा लेकिन वो मुझे बाद में मिल रहा होगा एक्चुअली ओटीपी। सही है, सेट, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, ईमेल चाहिए और ओटीपी चाहिए। ईमेल लिख के बंदा सबमिट करेगा, ओटीपी उसके मेल बॉक्स में जाएगा और वहाँ से वो उस ओटीपी को देख के मुझे बताएगा, तो मैं उसको सेट कर दूँगा उसके पासवर्ड को। अच्छा, लॉगिन हैंडलर एक फंक्शन का नाम है, तो उसको मैं क्या कर दूँगा, मैं बोलूँगा भी सेंड ओटीपी एक्चुअली। सही है, सेंड ओटीपी का जब ईमेल लिख के और मैं सबमिट करूँगा तो एक्चुअली सेंड ओटीपी का बटन होगा। अच्छा, सेंड ओटीपी पे अभी क्या लॉजिक होगी उसको अभी हम छोड़ देते हैं। दिस इज़ फॉरगेट पासवर्ड पेज, एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें क्लास नेम लॉगिन फॉर्म है एक्चुअली, और उसके सबमिट होने पे सेंड ओटीपी होता है एक्चुअली, और पहली फील्ड जो है उसकी वो ईमेल है, तो बिल्कुल सही है, ईमेल ही होनी चाहिए, बाकी की दो फील्ड मुझे नहीं चाहिए। सही है, बाकी की दो फील्ड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, बस बंदा ईमेल लिखेगा और ईमेल लिख के क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा बंदा सेंड ओटीपी,
सेंड ओटीपी ईमेल, राइट। तो कुछ इस तरह से ये मुझे दिख रहा होगा, इसके नीचे ये बटन मुझे नहीं चाहिए होगा ऑब्वियसली, सही है। तो मैंने लॉगिन का जो पेज था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बना दिया, फॉरगेट पासवर्ड का पेज बना दिया। अच्छा, जब मैं यहाँ पे ये लिख कर और सेंड ओटीपी का बटन दबाऊंगा तो क्या हो जाना चाहिए, एक एपीआई कॉल हो जानी चाहिए जिसमें सर्वर पे ये पहुंच जाए बात कि भाई बंदा ना फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, तो सेंड ओटीपी के अंदर अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आऊंगा और एक रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से सर्वर पे जिसका नाम क्या होगा, फॉरगेट पासवर्ड, सही है, स्लैश फॉरगेट पासवर्ड, और इसमें मैं भेजूंगा साथ में ईमेल, सही है। अच्छा, ये ईमेल भेजना मुझे अभी ज़रूरी है क्योंकि इस दफ़ा जब ये रिक्वेस्ट जारी होगी ना तो कुकीज़ में कुछ भी नहीं होगा, बंदा लॉग आउट हुआ है, तो ये इस ईमेल के बेस पे ही मैं पता लगाऊंगा ये कौन सा यूज़र है जो फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, और विद क्रेडेंशियल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे, सही है, यह है नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसा ना कुकी यहाँ से भेज रहा हूँ ना वहाँ से भेजूँगा, तो विद क्रेडेंशियल लगाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। वेल, अगर लगा भी रहे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लगा रहे तो भले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ डिस्पैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अभी अगर इसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आता है तो मैं क्या बोलूँगा, स्क्रीन पर ये लिखा हुआ दिखाऊँगा कि प्लीज़ चेक योर ईमेल, ठीक है, एंड फाइंड 6 digit OTP। तो यहाँ पे ये कहानी क्या हो गई, इस फ्रंट एंड की ख़त्म हो गई, सही है। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर पे मैं चेक करूँगा भाई इस ईमेल के साथ कोई अगर यूज़र मौजूद है, सही है, तो बता दो, अगर यूज़र कोई मौजूद नहीं है इस पे तो वो भी बता, सही है। अच्छा, एक्चुअली फिर मैं इसको ना इस तरह से नहीं कर रहा, मैं रिस्पॉन्स में डॉट मैसेज निकाल लूँगा ना, इसमें से मैं रिस्पॉन्स जो भी आएगा ना उसको डिस्प्ले करा देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, है ना, ऐसे होगा ना, मैसेज करके मैं की भिजवा दूँगा वहाँ से, तो जो भी वहाँ पर आएगा या डिस्प्ले हो जाएगा, मैं या तो ये बोलूँगा कि भाई बंदा मिल चुका है, OTP भेज दिया मैंने, जाके ईमेल चेक कर लूँ, या तो मैं ये बोलूँगा कि बंदा नहीं मिला है और आपने ईमेल गलत एंटर की, इन दोनों में से कोई एक बात मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। तो आ जाते हैं अब हमारे सर्वर पे, फॉरगेट पासवर्ड पर, अब सर्वर पे जाके मैं ये फॉरगेट पासवर्ड कहाँ बनाऊँगा, ऑथ वाले में बनाऊँगा, है ना, जो कि अनऑथेंटिकेटेड APIs में, auth.mjs के अंदर बनाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं किसको डुप्लीकेट कर लूँ ज़रा, अच्छा आधा काम तो मेरा लॉगिन वाला है इसमें, क्योंकि लॉगिन में भी क्या करता हूँ, मैं लॉगिन में भी यूज़र जो है मैं चेक करता हूँ कि मौजूद है या नहीं है, यूज़र को बुलवाता हूँ, सही है। और फॉरगेट पासवर्ड, अच्छा यहाँ पे जो मेरी API होगी ना फॉरगेट डैश पासवर्ड होगी एक्चुअली, सही है, फॉरगेट डैश पासवर्ड होगी, क्योंकि URL में ना हम कोशिश करते हैं स्मॉल लेटर के कैरेक्टर्स यूज करें, फॉरगेट डैश पासवर्ड, उसको मैंने क्या बनाया था वैसे, जो हमारा दूसरा वाला था स्मॉल लेटर ही रखा था ना उसको भी हमने, हाँ चेंज डैश पासवर्ड, सही है। तो URL फ्रेंडली हमारा होना चाहिए जो भी नाम होगा ना, अगर URL फ्रेंडली नहीं रखा मैंने तो फिर बाद में मसला होता है। अच्छा जी, अब मैंने अगला काम क्या करना है, अब मैंने अगला काम ये करना है कि बॉडी में मुझे ईमेल मिलेगी
ऑब्वियसली उसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा पहले तो, ठीक है। दूसरा मैं चेक करूँगा कि भाई बॉडी में ईमेल है या नहीं है। अगर तो बॉडी में ईमेल नहीं है तो मैं बोलूँगा कि यार चलो भाई आप ईमेल ना डाल के भेजो, आप ईमेल नहीं भेजिए आपने, ठीक है। ये एक वैलिडेशन लगी हुई थी, ये मुझे बाय द वे उसमें भी करना चाहिए था, अपडेट पासवर्ड में एक वैलिडेशन लगानी चाहिए थी कि पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों मौजूद है या नहीं है। वो मैंने नहीं लगाई, लेकिन वो लगानी चाहिए थी मुझे। उसके बाद मैंने कहा भाई फाइंड वन, यार एक काम करते हैं, ये बहुत ना कॉल बैक हेल में गया होगा ये, सही है। हम इसमें ना वहाँ से कोड कॉपी करके लाते हैं, जो अभी हमने अच्छा सा बनाया ना प्यारा सा, वहाँ से उठा के लाते हैं ताकि वो सीधा कोड हो ना कम से कम, सही है। ये ट्राई कैच वाला, ये वाला लाता हूँ, कॉपी किया उसको मैंने यहाँ से, ठीक है। वैलिडेशन लगाने के बाद मैंने ये ट्राई कैच लगा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेरे पास बॉडी डॉट ई मेल यहाँ पे मौजूद है, इसको हाँ ट्राई को ऊपर ले जाता हूँ यार, कट करके ना, ठीक है जी। लेट बॉडी वर्ल्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी डॉट ई मेल पर मेरे पास ई मेल मौजूद है, तो मैं कहता हूँ भाई बंदे की जो ई मेल हो ना वो क्या हो, बॉडी डॉट ई मेल हो, ठीक है। फाइंड ऐसे बंदे को करके लाओ जिसकी ई मेल जो है बॉडी डॉट ई मेल के इक्वल हो, और लाओ क्या उसका सभी कुछ ले आओ आई थिंक, क्योंकि फिलहाल मुझे क्या करना है उसका, उसको ई मेल करनी है मुझे, तो ई मेल तो मुझे ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कि भाई जो इस नाम से अगर बंदा मौजूद है तो उसकी ईमेल मुझे चाहिए, और कोई चीज़ चाहिए हो सकती है क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं कहना, हाँ नाम उसका मेल में दिखाने के लिए है। नहीं तो मैं अभी, अब जाहिर है यूज़र डॉट ईमेल लिखूंगा ना मैं, जो भी आगे की लॉजिक होगी मेरी। वैसे तुम सही कह रहे हो, ज़रूरत नहीं है मंगाने की, अगर क्वेरी भेज के आया तो वही है, लेकिन खैर हो गई, चलो मंगवा लेते हैं फिलहाल। अच्छा तो मैंने कहा कि भाई अगर नॉट यूज़र है तो यूज़र नॉट फाउंड करके एरर थ्रो करवा दो, दैट्स इट, सही है। अच्छा फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, वो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि जो सेंड करता हूँ ना मैं यहाँ पे, इसमें मैं क्या बोल दूँ, मैं बोलूँ मैसेज, और इसमें मैं बोल दूँ कि भाई एरर डॉट मैसेज, मेरे ख्याल इस तरह करके मिलता है, एरर डॉट टेक्स्ट करके मिलता है, पता नहीं कैसे मिलता है ये, यानी जो भी ये थ्रो हुआ है ना यहाँ से मेरा एरर, ये एरर का जो मैसेज है मुझे इस एरर के अंदर डॉट मैसेज करके शायद मिल रहा होता है, ठीक है। ये मैंने पूरे एरर को यहाँ पे कंसोल करवाया है, तो अभी हम उसको चेक भी कर लेंगे कि वो मिलता है एक्चुअली कैसे। तो उससे होगा क्या कि थ्रो में जो भी बात लिख के भेजूंगा ना वो एज अ मैसेज पहुँच जाएगा फ्रंट एंड में। अच्छा भाई तो मैंने यूज़र यहाँ पे फाइंड करवा लिया, और नॉट यूज़र पे मैंने ये वाला सीन ऑन करा दिया कि भाई नॉट यूज़र है। अच्छा इस मैच वगैरह मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र को अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और बस यही था कहना। अच्छा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई ओ टी पी सेंड, ओ टी पी सेंड सक्सेस। अब यहाँ इस दरमियान के अंदर ना मैं, ठीक है, टू डू generate OTP and send via email। अब यहाँ पे ना इस लाइन में मुझे ये काम करना है कि मुझे OTP generate करना है, और generate करके क्या करना है, बंदे को via email send करना है, सही हो गया। अच्छा अब OTP generate कैसे होगा, सबसे पहली तो बात ये है OTP generate करने के लिए मुझे एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी अपने डेटाबेस में, और एक लाइब्रेरी चाहिए होगी मुझे जो रैंडम नंबर जनरेट करती है, सही है, एक लाइब्रेरी मुझे चाहिए होगी। अच्छा वैसे मैं डेटाबेस की आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ, भाई ओटीपी में ना एक नया एंट्री मारूँगा और उसकी आईडी जो भी है उसको मैं इस्तेमाल कर लूँ, वेल लेकिन मुझे 5 डिजिट की ओटीपी को जनरेट करना है। अच्छा मुझे 5 डिजिट का ही ओटीपी क्यों जनरेट करना है, सेव करेंगे ना डेटाबेस में, फिर अगली दफ़ा जब वो OTP भेजेगा तो मैं वेरीफाई करूँगा उसको। अभी सेंड कर रहा हूँ ना, अभी तो करूँगा सेंड, अभी ईमेल पे तो मैंने भेज दिया उसको OTP, लेकिन मैं अपने पास भी रखूँगा ना कहीं,
सर्वर पे स्टेट मेंटेन नहीं कर सकता तो मुझे डेटाबेस पे मेंटेन करनी पड़ेगी। ओटीपी कैसे जनरेट करूंगा मैं भाई, एक अगर लाइब्रेरी में पकड़ूंगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिया इसमें। सही है, मेरे पास एक है लाइब्रेरी नैनो आईडी के नाम से, ठीक है नैनो आईडी पे चलते हैं। अब ये जो नैनो आईडी है ना, ये एक लाइब्रेरी है जो मुझे क्या बना के देती है, रैंडम स्ट्रिंग बनाकर देती है, और ये यूनिक होता है, यूआरएल फ्रेंडली होता है, ये यूनिक स्ट्रिंग होता है और सिक्योर होता है। सही है, सिक्योर का मतलब ये है कि जिस तरह से ये जनरेट करता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई की गई कि उसको गैस नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इटसेल्फ खुद बना हुआ है, डाउनलोड इसके काफ़ी सारे हैं, गिटहब में जाके अगर हम देखते हैं तो इसके स्टार्स भी होंगे काफ़ी सारे, ठीक है। तो 19,000 इसके पास स्टार्स है गिटहब में, तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया जी, सिक्योरिटी से मुतालिक यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं। इंस्टॉल ये ऐसे करके होगा, npm install nano id, तो कर देते हैं इसको इंस्टॉल। यहाँ पे एरर किस बात का है भाई? अच्छा वो कह रहा है वेट लगा दिया आपने, वो एसिंक नहीं बनाया। तो मैंने इसको नैनो आईडी को इंस्टॉल कर दिया और नैनो आईडी को इंपोर्ट करवा लिया। ये इंपोर्ट हो गया भाई नैनो आईडी। ठीक है नैनो आईडी। अब अगला काम क्या करना है, मैंने नैनो आईडी को ना मुझे ये बताना है कि कौन कौन से उसमें होने चाहिए नंबर ना, ठीक है। ऐसे करके ना मुझे कस्टम अल्फाबेट्स बताने पड़ेंगे उसको कि मेरी जो आईडी आप जनरेट करोगे उसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स होने चाहिए, मतलब 1 से लेके 9 या 0 तक, और ABCD से लेके F तक, और टोटल 10 कैरेक्टर होना चाहिए। सही है, तो मैं ऐसे करके उठा लेता हूँ इसको, और मेरे केस में मुझे क्या चाहिए, 5 डिजिट का बना लेते हैं हम। सही है, या 4 डिजिट का। कहाँ गया भाई मेरा वो फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ पे मुझे जनरेट करनी है ना आईडी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई नैनो आईडी का कस्टम उठाओ, और कस्टम उठा के मैंने कहा भाई आप 0 से लेकर 9 तक हो, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 5 डिजिट का चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे ना 5 डिजिट का ऐसे करके नैनो आईडी मिल जाएगा मुझे। एक मिनट यार, ये इसने क्या किया, मॉडल डॉट नैनो आईडी। ये क्या किया इसने? अच्छा पहले तो इम्पोर्ट में मुझे ये कस्टम अल्फाबेट भी लगाना पड़ेगा। सही है, कस्टम अल्फाबेट क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे। मॉडल कहाँ से आ गया ये? ये मॉडल क्या चीज़ है यार, ये कहाँ से आ गई? ये जस्ट नैनो आईडी, ये तो हो गया ना, ये वाला है कि नहीं? अच्छा, गॉट इट। ये कह रहे ना इस नैनो आईडी को कॉल करोगे आप कहीं पे भी तो ये आपको मिल जाएगा डेटा, जितनी दफा आप इसको कॉल करोगे ना उतनी दफा आपको ये मिल रहा होगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट ये मेरा OTP है इक्वल्स टू नैनो आईडी। सही है, ये बताना चाह रहा है वो असल में। तो मैंने एक अदद नैनो आईडी जनरेट की और मैंने कहा ये OTP है मेरा ये। अच्छा इस OTP को मैं फ़िलहाल क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल पे लॉग करवा देता हूँ, जो कि मुझे प्रोडक्शन में कभी भी नहीं करवाना। सही है, तो OTP को मैं क्या करवा देता हूँ, कंसोल पे लॉग करवा देता हूँ।
क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम ईमेल सेंड नहीं करेंगे, हम यही कंसोल से ही देख के उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम एक्चुअली ओवर हो गया, 15 मिनट ओवर हो गए हमारे, सही है। अच्छा ये ओटीपी बन गया मेरा, अब मैं ओटीपी यहाँ पे बोलूँगा कि भाई ओटीपी सेंड हो गया, और यहाँ पे मैं टू डू ऐड कर देता हूँ कि सेंड ओटीपी वाया ईमेल, सही है, ये टू डू हमारा स्टिल यहाँ रहता है। अच्छा इसको मैंने डेटाबेस में सेव भी नहीं करवाया अभी तक, इसको मैंने डेटाबेस में सेव भी करवाना है, उसके लिए मैं आ जाता हूँ सबसे पहले डेटाबेस के मॉडल्स में, और मॉडल्स में आके मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ये यूज़र स्कीमा था एक्चुअली, इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि भाई आप हो ओटीपी स्कीमा, ओटीपी स्कीमा हो आप, ठीक है, और यहाँ पे बोल देता हूँ कि आप क्या हो ओटीपी मॉडल। अच्छा इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, ओटीपी क्या मैं प्लेन टेक्स्ट में सेव करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, ओटीपी मैं प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करवाऊँगा एक्चुअली, मैं क्या करवाऊँगा, हैश करके सेव करवाऊँगा, क्योंकि पासवर्ड जैसे हम प्लेन टेक्स्ट में ही करवाते हैं उसी तरह ओटीपी को भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं करवाते हैं, सही है, अदरवाइज़ तो ओटीपी देख लेगा कोई भी डेटाबेस से मेरे, क्योंकि जहाँ मोंगोडीबी एटलस के अंदर तो डेटाबेस का एक्सेस है ना उस बंदे को, तो जो वहाँ पे कारीगर काम कर रहा है, ठीक है, तो एहतियातन मैं ओटीपी को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करूँगा डेटाबेस में भी, ठीक है। क्रिएटेड ऑन मेरे पास मौजूद है, और क्रिएटेड ऑन को मैं क्या करूँगा, क्रिएटेड ऑन के ज़रिए मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि 5 मिनट बाद में उसको एक्सेप्ट ना करूँ, मैं बोलूँ नहीं यार, हाँ तो बस अभी मेरा ख्याल है स्कीमा में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सही है, स्कीमा में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये हो गया। अच्छा ओटीपी को रिक्वायर्ड रखना चाहिए वैसे मुझे, लेकिन चलो सही है, अभी तो एक ही चीज़ है, तो मैंने कहा भाई ओटीपी स्कीमा एक्सपोर्ट हो गया ओटीपी मॉडल, और मैं आ जाता हूँ वापस ऑथ में, और मैं यहाँ पे ज़रा इसको ओटीपी मॉडल, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, इसको सेव भी करवाना है डेटाबेस में, तो मैंने कहा भाई ओ टी पी मॉडल डॉट क्रिएट, सही है, और मैंने कहा कि ओ टी पी इक्वल्स टू ओ टी पी, और मैंने कहा कि भाई अवेट, तो यहाँ पे मैंने इसको डेटाबेस में क्या करवा दिया, सेव भी करवा दिया हाथ के, और कॉन्सोल पे प्रिंट भी करवा दिया। अच्छा अब मुझे स्टिल ईमेल के ज़रिए भेजना यहाँ पे रहता है, जो कि पोस्ट मार्क हम यूज़ करेंगे इसके लिए, सही है, आप लोग वैसे ख़ुद भी साइन अप कर सकते हैं, पोस्ट मार्क पे 100 ईमेल देता है वो फ्री में, ठीक है, या इसकी जगह नॉर्ड मेलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है वो, बहुत ईजी है, आप में से कुछ लोगों ने नॉर्ड मेलर यूज़ किया हुआ भी है शायद, ठीक है, उसके क्रेडेंशियल कभी भी गिटहब में पुश नहीं करना, लगे एनवायरमेंट वेरिएबल में ही रखना। अच्छा आते हैं जी, अब ज़रा हम डाल के देखते हैं ईमेल की क्या रिपोर्ट है, अब क्या हो गया इसको यहाँ पे, थ्रो न्यू एरर, कैन नॉट ओवरराइड यूज़र मॉडल वंस कंपाइल्ड, अबे भाई क्यों, क्या कर दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने यूज़र्स ही रखा है, सही है, मैंने मॉडल्स के अंदर, अच्छा जी आते हैं अपने हम यहाँ पर और रिफ़्रेश करते हैं, malik@sysborg.com ये है हमारे पास, और जब मैं इसको बोलूँगा ना सेंड ओटीपी, अबे इसमें एरर क्यों आ गया भाई, एरर आ गया इसमें, क्या एरर आ गया, ओटीपी जनरेट तो कर दिया वैसे इसने, अच्छा ओटीपी मॉडल डॉट क्रिएट इज़ नॉट अ फंक्शन कह रहे हैं, अच्छा कैसे किया था क्रिएट हमने, इसमें एग्जिक नहीं लगेगा क्या, एक मिनट यार, उधर हम क्रिएट कैसे करते थे, उसमें ट्वीट के अंदर जाके देखते हैं ना क्रिएट कैसे किया हुआ मैंने, ओटीपी का मॉडल तो बना हुआ है, हाँ कॉल बैक होता है ना इसके ऊपर, सही तो है, डॉट एग्जिट लगा सकता हूँ मैं इसके ऊपर क्रिएट, और ये मुझे क्या देता है, 5 ओवरलोड्स हैं इसके, क्या बकवास।
पास है यार ये। चलो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई न्यू कॉन्स्ट न्यू ओटीपी इक्वल्स टू न्यू ओटीपी मॉडल। एक मैं पुराने तरीके से बना रहा हूँ जिस पे मेरा हाथ सेट है अच्छा से, उस पे बना रहा हूँ ठीक है। और मैं बोलता हूँ न्यू ओटीपी डॉट सेव डॉट एग्जिट, सही है। ये एक पुराना तरीका है जिस पे मेरा हाथ सेट है, अभी तो वो क्रिएट जो है ना वो नया वाला है। अरे अभी भी 500 आ रहा है। न्यू ओटीपी डॉट सेव डॉट एग्जिट इज नॉट अ फंक्शन। अबे ओटीपी मॉडल हुआ मैंने इम्पोर्ट, ये ऊपर हुआ है। कहाँ ओटीएस लिखा हुआ है? ओटीपीएस लिखा हुआ है, वो तो नाम है ना मॉडल का, हमें तो ये इस वाले से मिलेगा। क्या कर दिया मैंने इसके साथ ऐसा, ओटीपी मॉडल डॉट क्रिएट, जस्ट इतना अगर करूँ मैं तो क्रिएट मुझे दे क्या रहा है ये बता नहीं रहा है यहाँ पे कि दे क्या रहा है। मैन सही चलिए, बस डॉट क्रिएट से ही सेव हो जाता है वो। अच्छा गॉट इट, उस पर डॉट एक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा तो इस दफ़ा जो ओ टी पी इसने दिया है मुझे वो क्या दिया है? 03089 दिया है इसने मुझे। अच्छा एक प्रॉब्लम है, एक गड़बड़ की है हमने अभी, पता है वो क्या गड़बड़ की है? ओ टी पी के साथ मुझे ये भी तो बताना था कि किस ई मेल के अगेंस्ट जनरेट हुई है, वो तो हमने लिखा ही नहीं है ठीक है। तो मॉडल्स में जाके मुझे एक चीज़ इसमें ऐड करनी होगी कि किस ई मेल के अगेंस्ट ये हुआ है ठीक है। अदरवाइज फिर मैं जब सर्च करूंगा तो मुझे तो जितने हज़ारों यूज़र ने जनरेट किए सभी मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पे मुझे ईमेल भी लगाना होगा, बॉडी डॉट ईमेल, सही है बॉडी डॉट ईमेल था ना, बॉडी डॉट ईमेल सही है। तो मैं एक और ओटीपी जनरेट कर लेता हूँ, सेंड ओटीपी, सही है जनरेट हो गया ये 00352 के नाम से ये जनरेट हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ MongoDB कंपास को ना, ताकि मैं इसको मॉनिटर कर सकूँ कि एग्जैक्टली क्या OTP मेरे पास आया हुआ है। अच्छा OTP मुझे प्लेन टेक्स्ट में तो नहीं दिखेगा डेटाबेस में, क्योंकि मैंने हैश बना के सेव किया है, बट स्टिल मुझे दिख रहा होगा कि हाँ यार डेटाबेस में क्या मौजूद है। और उसको मैं चाहूँ तो प्ले ग्राउंड से उसको प्ले भी कर सकता हूँ। ये कौन सा ईमेल लगा हुआ है इस पर? ये वाला लगा हुआ है ना, ये मैंने इसकी URL को कॉपी किया, पेस्ट किया और कनेक्ट दबा दिया। अब इसका अगला स्टेप मैंने करना है, ये तो मैंने सेव करवा दिया, इसका अगला स्टेप क्या होगा? फॉरगेट पासवर्ड को कंप्लीट करने का जो स्टेप है हमारा। दूसरे स्टेप में बंदा मुझे क्या भेज रहा होगा? बंदा मुझे OTP भेजेगा और ऑब्वियसली मुझे ईमेल भी दोबारा भेजेगा, अपनी OTP भेजेगा मुझे और अपनी ईमेल भी दोबारा भेजेगा कि भाई इस ईमेल पे जो आपने भेजा था ना OTP, वो मैंने वहाँ से देख कर बता रहा हूँ, सही है। बंदा इस तरह से वो OTP के साथ भेजेगा। अच्छा इसका जो URL है वो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं एक ही URL रखूँ, मतलब एक ही राउट बनाऊँ और इसमें ऊपर ना मैं लॉजिक लगा लूँ इफ एल्स की, कि अगर अगर OTP दे रहा है बंदा सामने से तो एक पूरी अलग लॉजिक हो, और इफ़ अगर OTP नहीं दे रहा हो तो पूरी एक अलग लॉजिक हो, सही है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड -2 लगा देता हूँ, एक डिफरेंट URL कर देता हूँ ठीक है। तो अब मुझे इसमें से क्या चाहिए होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल चाहिए होगा, और इसके अंदर मुझे OTP भी बंदा दे रहा होगा, दोनों चीज़ें मिल रही होंगी। अब की बार मैं क्या लगाऊंगा कि ईमेल भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, OTP भी होनी चाहिए ठीक है। अदरवाइज क्या बोल दो कि भैया आपने गलत भेजा है,
ओटीपी के अंदर ना एक 1 2 3 4 5 पांच डिजिट का जो भी हमारा ओटीपी है वो होना चाहिए। अच्छा अब की बार मैं फाइंड वन क्या करूँगा, यूज़र मॉडल पे नहीं करूँगा, मैं करूँगा ओटीपी मॉडल पे। ओटीपी मॉडल पे फाइंड वन करूँगा, मैं कहूँगा ईमेल ये होनी चाहिए और जो भी जाहिर है जो भी लेटेस्ट मिलेगा इसको वो लेकर आ जाएगा उठा के। अच्छा लेटेस्ट जो इसको मिलता है ना उठा के लाता है, ये शुरू से लाता है, हमें लास्ट से चाहिए। ठीक है तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डॉट सॉल्ट, ठीक है, और डॉट सॉल्ट में मैं क्या करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई अंडर स्कोर आई डी और -1 ऐसे ही होता है ना सॉल्ट, तो मुझे ये लास्ट वाली ला के देगा। सही है, फाइंड वन लास्ट से शुरू करेगा ये, समझ आई ये बात कैसे हुई। तो मैंने कहा भाई ये आप ढूंढ के लाओ और मैं बोलूँगा कि ओटीपी। सही है, अब की बार मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि ये क्या ढूंढ के ला रहे हो आप, ओटीपी ढूंढ के ला रहे हो। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि इफ़ नॉट ओटीपी, इस बंदे के नाम से कोई ओटीपी नहीं है, तो आप बोल दोगे भाई ओटीपी नॉट फाउंड और थ्रो करवा दोगे एरर। अच्छा ये वाली लाइन अगर क्रॉस करता है मतलब ओटीपी मिल चुका है। ठीक है, अच्छा ओटीपी जो मिला है मुझे डेटाबेस से वो कौन सी फॉर्म में, वो हैश की फॉर्म में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे उसको हैश को सेट करना होगा। मैं बोलूँगा वेरीफाई, सही है स्पेलिंग गलत मैंने लाइब्रेरी लेवल भी कर दी है, वेरीफाई हैश में पहले मैं क्या दूंगा, बॉडी डॉट ओटीपी जो मुझे बंदे ने अभी दिया है कॉमा और ओटीपी डॉट ओटीपी, राइट, क्योंकि ये मैंने ओटीपी ऐसे करके मंगवाया था, ओटीपी रिकॉर्ड होना चाहिए इसका नाम, असल में ओटीपी रिकॉर्ड इसका नाम होना चाहिए। ओटीपी रिकॉर्ड डॉट ओटीपी, तो ये मैंने वेरीफाई हैश किया, अवेट लगा के किया मैंने, इज मैच्ड, अगर ये मैच हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ओटीपी सही है। ठीक है, अगर लेकिन नॉट मैच होता है तो मैं इसको इनवैलिड ओटीपी बोल के यहाँ से वापस करवा लूंगा इधर से। अच्छा अगर इस लाइन को ये क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि ओटीपी सही था बंदे का। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, अब उससे मैं बोलूँगा कि भाई जो नया वाला पासवर्ड है ना वो मैंने चेंज कराना है, तो नए पासवर्ड को चेंज कराने का जो कोड है मेरा वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है भला, जो अपडेट पासवर्ड में मैंने बनाया था ना थोड़ी देर पहले, वहाँ लिखा हुआ है मैंने कि चेंज पासवर्ड है ना, चेंज पासवर्ड में क्या होता है यहाँ पे आखिर में कि मैं बोलता हूँ कि भाई न्यू हैश बनाओ न्यू पासवर्ड को लेके और उसको ऐसे करके सेव करा दो और बोलो कि भाई चेंज हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली यही काम मैंने सेम टू सेम यही काम मैंने यहाँ पे भी करना है, मैंने कहा भाई न्यू हैश बनाओ स्ट्रिंग टू हैश, अच्छा न्यू पासवर्ड नहीं है अब की बार मेरे पास जस्ट पासवर्ड है ना, की बार मेरे पास क्या है ओटीपी है एक्चुअली ओटीपी। अरे यार पासवर्ड तो मैंने मांगा ही नहीं बंदे से, स्टेप टू में वो पासवर्ड भी तो देगा नया, नहीं मतलब ओटीपी देगा साथ में और नया पासवर्ड भी उसी पॉइंट पे मैं मांग लेता हूँ उससे ना, तो मैंने कहा कि भाई बॉडी डॉट डॉट न्यू पासवर्ड, ठीक है ये भी चाहिए मुझे, न्यू पासवर्ड भी उसी टाइम चाहिए हाथ के अंदर। न्यू पासवर्ड भी मैंने उसी वक्त लिया है हाथ के हाथ इससे और मैंने कहा भाई बॉडी डॉट न्यू पासवर्ड का एक हैश बनाया जाए और हैश बनाने के बाद अंडर स्कोर आई डी तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो मैं बोलूँगा ईमेल। हाँ भाई कुछ बोल रहे हो, हाँ नहीं एक साथ करवा देते हैं, देखो उसको तीन स्टेप में भी तोड़ा जा सकता है और इसको एक स्टेप में भी रखा जा सकता है, एक ही सिंगल स्टेप में भी रख सकता हूँ मैं। ठीक है,
तो अभी मैंने दो स्टेप में मेरा ख्याल है कि कर लेना चाहिए हमें। तो मैंने कहा भाई एक मॉडल ढूंढ के लाओ जिसकी ईमेल ये वाली हो, उसका पासवर्ड जो है ना वो न्यू हैश जो अभी मैंने जनरेट किया वो वाला करवा दो, और मैं उसको बोलूँगा कि भाई पासवर्ड अपडेटेड सक्सेस। रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा भाई सेंड ओटीपी वाया ईमेल, ओटीपी मुझे यहाँ पे मिल गया 66584 जो भी ओटीपी था वो मिल गया। बट जैसे ही ओटीपी सेंड होता है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्क्रीन में चेंज करवाना पड़ेगा, एक मुझे ऐसी स्क्रीन दिखानी पड़ेगी जिसमें मैं उससे क्या बोलूँगा ओटीपी और न्यू पासवर्ड का उसको बॉक्स दिखा दूँगा मैं, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वापस जाऊँगा अपने फ्रंट एंड पे, कहाँ गया मेरा फ्रंट एंड। अच्छा, इसको करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ऑब्वियसली। ये मैं अपनी स्क्रीन पे जाऊंगा और यहाँ पे दो फील्ड्स में बना के रखूंगा और उसको मैं हिडन करवा के रखूंगा, राइट। तो एक फील्ड मुझे चाहिए होगी ओटीपी की ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, ओटीपी का जो ऑटो कंप्लीट है वो भी क्या है, ओटीपी है ना। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड है, आईडी इसकी ओटीपी है, लेबल इसका ओटीपी है, टाइप इसकी ओटीपी है, टाइप इसकी एक्चुअली टेक्स्ट है। हाँ, ओटीपी अभी दिखाता हूँ मैं वो कैसे आएगा। असल में जब ये मोबाइल फ़ोन पे खुला हुआ होगा ना तो जब आपके पास मैसेज आता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें लिखा हुआ आ जाता है, सही है। तो ये सिमेंटिक है एक्चुअली, ब्राउज़र में ये शायद उस तरह काम ना करे लेकिन ये मोबाइल के ब्राउज़र में काम करता है। तो ऑटो कंप्लीट जो है वो ओटीपी हमने यहाँ पे लगाया है, देख भी लेते हैं इधर हम। ओके, ओटीपी नहीं है, वन टाइम कोड है इसका ऑटो कंप्लीट, सही है। तो मुझे ये लगाना है वन टाइम कोड, ऑटोमेटिकली मुझे ये सजेस्ट कर रहा होगा। अच्छा, ऊपर मैं स्टेट भी बना लेता हूँ इसकी, तीन अदद, एक ओटीपी है और एक न्यू पासवर्ड है। हाँ भाई जाना है, इतनी जल्दी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है बस हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, इतना ही रखते हैं उसको ना। मैंने कहा सेट ओटीपी और सेट न्यू, क्या रखा मैंने इसका नाम, सेट न्यू पासवर्ड, सही है। टाइप इसकी टेक्स्ट है, नेम इसका जो है वो ओटीपी है, प्लेस होल्डर इसका है ओटीपी, ऑटो कंप्लीट ये है, सेट ओटीपी ये है, न्यू पासवर्ड इसमें क्या होगा, न्यू पासवर्ड लेबल है इसका न्यू पासवर्ड, टाइप है इसकी पासवर्ड, और नेम भी इसका होगा न्यू पासवर्ड, प्लेस होल्डर होगा एंटर अ न्यू पासवर्ड, और ऑटो कंप्लीट इसका क्या होगा, न्यू का पासवर्ड का ऑटो कंप्लीट क्या होता है भाइयों, न्यू डैश पासवर्ड होगा, सही है। यहाँ पे भी क्योंकि मैं एक नया पासवर्ड सेलेक्ट करवा रहा हूँ बंदे से, तो यहाँ पे वो सजेस्ट राइट क्लिक करने में ना सजेस्ट शो करेगा अगर मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड लगाता हूँ तो। अच्छा, ये दोनों फील्ड्स मेरी क्या होंगी, हिडन होंगी, ये दोनों फील्ड मेरी क्या होगी, हिडन होंगी शुरू में। तो इसके लिए मुझे एक अदर टर्नरी ऑपरेटर चाहिए होगा यहाँ पे, सही है। और ये टर्नरी ऑपरेटर मैं किस पे लगाऊंगा, एक लॉजिक लगाऊंगा मैं किसी पे, ठीक है। अब ये लॉजिक मैं किस चीज़ पे लगाऊंगा, अगर बंदे ने ना
यहाँ पे मैं एक और स्टेट बना लेता हूँ इज ओ टी पी सेंड करके। तो जब वो इज ओ टी पी सेंड बाई डिफॉल्ट में क्या रखूँगा, इज ओ टी पी सेंड, और मैं बोलूँगा यहाँ पे कि सेट इज ओ टी पी सेंड, और शुरू में ये होगा फॉल्स, और यहाँ पे जब सेंड ओ टी पी कम्प्लीट हो जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करवा दूँगा, सेट इज ओ टी पी ट्रू करवा दूँगा, सही है। और इस ओ टी पी सेंड के ऊपर ही मैं इसकी लॉजिक भी लगा देता हूँ कि भाई अगर इस ओ टी पी सेंड है ना तो क्या करवा दो, इन दोनों को डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज क्या कर दो, नल। ठीक है जी, अच्छा इसको एक अदद फ्रैगमेंट चाहिए होगा एटलीस्ट, ठीक हो गया जी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं सेंड ओटीपी का बटन दबाता हूँ नीचे मेरे पास दो फील्ड्स अपेयर हो जाती हैं, सही है। न्यू पासवर्ड में देखो वो सजेस्ट पासवर्ड भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए भाई, ये सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। ओटीपी में कुछ सजेशन वगैरह नहीं आ रही है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे जो है ना सजेशन आ रही होगी। अच्छा ये जो बटन है मेरा, ये बटन भी अब क्या हो जाएगा, कंडीशनल हो जाएगा, सही है, बटन भी कंडीशनल हो जाएगा, और इस बटन को भी मैं ऑब्वियसली इसके साथ साथ चेंज करवा दूँगा। लेकिन आज के कोड को हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं, यहाँ से आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग करके ले आएंगे, सही है। आगे बताने की ज़रूरत तो नहीं है अब आगे क्या होगा, हाँ नॉर्ड मेलर लगा लो या पोस्ट मार्क लगा लो, जो दिल करे लगा लो, ये आगे लेकिन हो जाएगा ना काम आगे का, क्या पोस्ट मार्क छोड़ो ना, नॉर्ड मेलर लगा लो, हाँ उसमें अपनी डोमेन भी चाहिए होता है ना, पोस्ट मार्क अगर आपने डोमेन नहीं ख़रीदा हुआ ना अपना, तो पोस्ट मार्क पर वो चलता ही नहीं है, उसके बगैर कस्टम डोमेन एक चाहिए होता है उसमें। सही है भाई, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और ये करके लाना सारे आगे का काम।